क्योंकि वो ही काम बराबर कर सके। देखिए एक साधारण बात बताऊं, छोटी सी बात है सेंस की। अपने बॉडी के हर लिम्स में कितनी सुविधाएं, देख अभी मैंने गए बखत ही प्रवचन में ये बात समझाई थी, शायद तू हती कि नहीं पता नहीं, कि पहले ब्रश जो आते हैं ना, टूथब्रश सीधे सीधे आते थे, पीछे से लोगों को ख्याल आया कि उंगली अपन ऐसे सीधे ब्रश नहीं करें, उंगली तो मुड़े ना, तो उनने उंगली के एंगल में ब्रश को मोड़ना शुरू किया, पर ब्रश को मोड़ना शुरू किया वो भी काम नहीं आयो, तो ब्रश के जो वो जो उनको ऐसे दांत के पोजीशन में उनको कर्वेचर बनायो, फिर भी देख बावजूद या के अपनी उंगली में इतनी शक्ति है कि जहाँ एंगल में तुमने मोड़ी वह एंगल में पाछी फिक्स रह सके, ब्रश में ऐसे छुट्टो रखोगे तो ढीलो ढीलो रहेगो, कड़क करोगे तो वो मुड़ नहीं सके, तो सब जगह नहीं जा सके ब्रश करके। बहुत सारे डेंटिस्टन के पास अपने को वो करवाने जाना पड़े ना, हैं रूट कैनाल नहीं वाको क्या कहें वो घिस दे ना, हैं हाँ वो घिस दे ना, हाँ फ्लॉसी तो अलग चीज़ है, वो तो अपन भी कर सकें, वो एक मशीन से घिस दे ना सब वो निकाल दें, नहीं कोई मशीन से घिस के सब दांत वांत पे जो अपन ब्रश से नहीं साफ कर सके वो लोग साफ कर दें, तो ये क्यों करवाना पड़े, क्योंकि ब्रश में वो व्यवस्था है नहीं, जबकि उंगली में अपने ऐसी व्यवस्था है कि गला के अंदर भी डालनी होए ना तो डाल सके, वो ऐसी ट्रांसेंडेंटल और इमिनेंट दोनों व्यवस्था या में है, जहाँ एंगल में कड़क करनी हो कड़क हो सके, वो लूज होए तो कड़क नहीं हुए, कड़क होए तो लूज नहीं हुए, तो इट विल टेक लिटिल मोर टाइम ऐसी उंगली जैसा ब्रश डेवलप करने में, आया ना मैन्युफैक्चरर को वाली है, हाँ और मुक्त निरोध का मतलब कि जो अपनो मेकअप है वो भगवान धारण कर रहे हो, आयो मुक्ति का मतलब क्या कि अपन अपनो मेकअप उतार रहे हैं और डायरेक्टर के पास जा रहे हैं, एक्टिंग अपनी पूरी भाई, एंड व्हेन वी गो बैक टू द ग्रीन रूम एंड टेक द कंफर्मेशन ऑफ डायरेक्टर हैव वी एक्टेड नाइसली, तो मुक्ति आयो ख्याल में, व्हेन वी आर गोइंग बैक टू द ग्रीन रूम देन इट इज मुक्ति, और वहां में क्या है डायरेक्टर खुद स्टेज पे आ रहे हो, दैट्स द मेन डिफरेंस निरोध को, और श्योर मुक्ति और आश्रय का मतलब अपन ये जो ड्रामा या सिनेमा को मेटाफर पकड़ के चले ना, तो ग्रीन रूम में जानो मुक्ति है, और ग्रीन रूम में जाके और अपने एक्टर के फॉर्म में आ जानो वो आश्रय, जो मेकअप कियो है वाको उतार देनो वो आश्रय, मुक्ति को मतलब ग्रीन रूम में वो मेकअप उतारने के लिए जानो, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस, बहुत सारे कभी ड्रामा हो जाए ना वाके बाद देखियो, तू पीछे जाके देखियो ग्रीन रूम में, आर्टिस्ट होए ड्रामा होए ग्रीन रूम में जाके थोड़ी देर वाकू वो उनको लिंगर ऑन करते रहे, सबसे पूछते रहे कैसा लगा अच्छा गाया अच्छा एक्टिंग किया कि नहीं किया, वो वा वक्त वा रोल में उनको हैंगओवर हो गए, जो स्टेज पे उनने परफॉर्मेंस किया ना वाको हैंगओवर हो गए, और जब उनने वो उतार दियो मैंने पैकअप कर दिए इंस्ट्रूमेंट पैकअप कर दिए वो हैंगओवर गयो, अब अपने एक्टर के फॉर्म में आ गया है, वो आश्रय, इज दैट क्लियर, हाँ
और श्योर माइक नहीं हो ऐसे नहीं मैंने कही, जल्दी से अपने को समझ नहीं आवे जो सटल फॉर्म में जो कॉजलिटी है ना, बाकी कॉजलिटी भी सटल है और कॉजलिटी सटल है तो आपको देखने के लिए भी कोई माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट हो तो कॉजलिटी समझ में आवे। जैसे एक बात समझ कि वायरस अपने भीतर कोई रोग पैदा कर रहे है, अपने को वायरस समझ में आवे, फीवर समझ में आवे, गिडीनेस समझ में आवे, वॉमिट समझ में आवे, और वायरस कर रहे हो ये समझ में नहीं आवे। वाके लिए तो ब्लड टेस्ट कराओ और वहां में वायरस निकले तो समझ में आवे, आयो ना, क्योंकि वो सटल फॉर्म है ना, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में है वो। तो वाकू जानने के लिए वाकी कॉजलिटी भी अपने को माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन से समझ में आएगी, और जो ग्रॉस फॉर्म में है वाकी कॉजलिटी अपने को नेकेड आई से समझ में आ सके। वो फर्क ऐसे हो सके कि अपन घास को एनालिसिस करें, घास के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हैं, एलिमेंट किन चीज़ों से घास बनी है, और वो एलिमेंट को अपन देखें फिर अपन जांच करें अपने जो सटल फॉर्म में वो एलिमेंट है कि नहीं। जैसे एक बहुत मज़ेदार बात बताऊं, जब नेपोलियन को अंग्रेजन ने हरा दियो तो फिर एक टापू पे अरेस्ट करके रखे हो, और वो इतने डर गए थे नेपोलियन से कि यदि कहीं जिद्दो रहे हो फिर पाछो कहीं छूट के कुछ लड़ाई करेगो। नेपोलियन वॉज मैंने बहुत ही फियरसम, जैसे हिटलर भयो न वह तरह से नेपोलियन से सब लोग डरते थे। तो अब उनके यहाँ नियम ऐसा तो कि मारियो नहीं जा सके, मारियो भी नहीं जा सके और जिंदो रहना भी वाको अपेक्षित नहीं है। तो उनने क्या कियो, वाको आर्सेनिक देना शुरू कियो खाने में। आर्सेनिक खा खा के नेपोलियन बिचारो अल्टीमेटली मर गयो। इतने 200 साल में कोई को नहीं पता चली, वह वक़्त मर गयो तब नेपोलियन को बाल काट के कोई ले गयो, तो वह बाल की एनालिसिस करी ना, वहाँ में आर्सेनिक निकलियो। अब 200 साल बाद तब प्रूव भयो कि ब्रिटिशर ने नेपोलियन को आर्सेनिक दे के मारे थे। अब बाल में जो आर्सेनिक गयो और पेट में जो आर्सेनिक गयो, एक सटल फॉर्म में है तो और एक ग्रॉस फॉर्म में है। तो जो सटल फॉर्म में जो आर्सेनिक गए है बाल में मौजूद भयो, खाने के बाद वाके बाल तक में वो अवेलेबल है, तो वासु ये पता चली रिसेंटली, अभी कोई 2-4 साल पहले, 5-10 साल पहले पता चली वो फैक्ट की या तरह से वाको मारे हो। तो ये बात समझ के वो आपको सटल फॉर्म तो जब अपन इतनी माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन करें तभी पता चले, और ट्रांसेंडेंटल फॉर्म के लिए इतना माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। अपन को नेकेड आई से भी ट्रांसेंडेंटल कैरेक्टर लाइट की पता चले कि नहीं, पर जो सटल नेचर है लाइट को, जो शुगर फॉर्म में होके और प्लांट में और वेजिटेबल्स में आ रही है और फिर अपने भीतर जा रही है, वो अपने को पता नहीं चले बिना माइक्रोस्कोपिक के।
अपन को क्या लगे कि अपन ऐसे केला खा रहे हैं, पत्ता खा रहे हैं, भाजी खा रहे हैं, तो भाजी में आयरन खा रहे हैं, पता चले कहाँ है आयरन? आयरन तो नहीं दिखे, वो तो क्या है माइक्रोस्कोपिक बाकी एनालिसिस करो तो भाजी में आयरन समझ में आवे। ये जितने भी यहाँ में ये विटामिन है वहाँ में वो विटामिन है, अपने को शाक में कोई विटामिन तो स्वाद को तो आवे नहीं है। अब विटामिन की गोली खाओ वहाँ में वो स्वाद आवे क्यों नहीं आवे? क्योंकि वो सटल फॉर्म में है, वहाँ वो वैसे नहीं पता चलेगा। ये जो ग्रोस जो अपने नॉलेज के जो मीन्स ऑफ नॉलेज हैं उनसे वो नहीं पता चले, पर उनको कॉन्स्टिट्यूशन अपन एनालाइज करें तब फिर समझ में आवे। ग्रोस अन्वय को मतलब ये है कि जैसे एक बात समझ, ग्रोस अन्वय को मतलब ये है कि अपन ने रोटी खाई और अपन ने जो है वो तले भयो खायो, तो पेट एक जैसा भारी होएगो के अलग अलग ढंग से भारी होएगो? जब बहुत तले भयो अपन खावे तो पेट कितना भारी होवे, और सादी रोटी खावे तो इतना पेट भारी होवे, वो ग्रोस है। वो डिफरेंस अपने को पता चले ना, ग्रोस और ट्रांसेंडेंटल फर्क है। ट्रांसेंडेंटल अपने को समझ में आवे, पर ग्रोस को जो अन्वय है वो अपन फील कर सकें। एक सीधी सी बात समझ कि अपने भीतर आयरन को कंटेंट कितना है ब्लड में, कोई डॉक्टर हो तो बता सकेगा। बहुत अच्छे प्रमाण में अपने भीतर आयरन है, अपन खीलियाँ खाना शुरू करें, चमचा खाना शुरू करें, कटोरा खाना शुरू करें तो आयरन की ग्रोस ईटिंग हो जाएगी। क्योंकि बॉडी में आयरन है ना, एक दिन चमचा खा लियो, एक दिन कटोरा खा लियो, एक दिन थाली खा ली आखी तोड़ ताड़ के, तो बहुत ग्रोस हो गया ना, ओवर ग्रोस हो गया। तो वो जो सटल फॉर्म में है वो सटल फॉर्म में है, ग्रोस खाएंगे तो वही डैमेज कर देगा ना, करेगा कि नहीं ऐसे? और हाँ श्योर, तुमको देखो टाइम है तो मुझको टाइम है। हो नॉट ओनली ह्यूमन बॉडी एंड एनी लिविंग बॉडी, हाँ, the incarnations, those are creation of Anand, because they have unlimited power which we don't have. Like network has unlimited power, mobile has a limited power. That is that clear? Any more question? Sure. I don't get you. हाँ, निरोध में ना कहो, you have misunderstood me. मुक्ति में कहो, ग्रीन रूम में जवो इज ए मुक्ति, मेकअप उतारी देवो इज आश्रय, अने निरोध मतलब के अपना जेवो मेकअप पहरी ने भगवान अपनी वच्चे आवे। આવ્યો ખ્યાલ માં? અમારા જો હું દર વખતે નો એક બહુ મને જે સૌથી વધારે ગમતો ઉદાહરણ છે તે હું બતાવું તને, હું જ્યારે ભણતો હતો કોલેજમાં, વિલ્સન કોલેજમાં પ્રોફેસર કારાની હતા, એમની એક હેબિટ હતી કે બ્લેકબોર્ડ પાસે ઊભા રહીને સમજાવે, જરા પણ સ્ટુડન્ટને કોઈ ડાઉટ આવે ને તો ક્લેરિફાય કરે,
जो स्टूडेंट सेटिस्फाई ना थाय तो धीमे धीमे उतरवानु शुरू करे। एट लास्ट स्टूडेंट ने कह चाल पाजो खस बाजू में बेसे ने पची समझावे, एनु नाम निरोध। जे स्टूडेंट ने समझ में ना आवतुं पछी ए पोतानी त्यां चेर उपर नता रहता, टीचर नी चेर उपर, बिकॉज इफ यू डू नॉट अंडरस्टेन्ड इट इज माय फॉल्ट। क्योंकि जो समझती होय तो पछी मारी पासे समझवा शा माटे आवे। सो सिंस यू आर कमिंग टू मी टू लर्न एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टेन्ड इट्स नॉट योर फॉल्ट इट्स माय फॉल्ट। सो ही हिमसेल्फ कम यूज टू कम एंड सिट बिसाइड अस and then discuss the problem at very personal, very, very personal level. At te vakte bahu samajh aavi jato. E aavine baju ma besa ne karani, ardho samajh mate mind taiyar thai jato, mindset taiyar thai jato. Ane ke tyanthi bolto hai na, to apanne beek lage na, puchwa ma beek lage ke, puchu ke na puchu. Pan emni ek bahu sari habit hati, ke tyanthi samjhave, pan jo કોઈપણ ડિફિકલ્ટી હોય તો પછી ધીમે ધીમે ઉતરે, અને એવી સરસ રીતે ઉતરતા કે આપણને ખ્યાલ ના આવે કે ક્યારે ઉતરી રહ્યા છે, ધીમે ધીમે પાસ આવતા જાય। લાસ્ટલી જો ક્યાંયથી જો સેટિસ્ફાઈ થઈ જાય ને તો પાછા ચાલ્યા જતા, પણ ન સેટિસ્ફાય તો લાસ્ટમાં હી યુઝ ટુ કમ એન્ડ સિટ બિસાઇડ અસ અને પછી પર્સનલી લેવલ ઉપર સમજાવતા વિધિન ધી ક્લાસરૂમ। દેટ્સ નિરોધ ઓફ ભગવાન, દેટ હી કમ્સ ડાઉન ધી લેવલ ઓફ the jivas and discusses the problem with you, not by remaining God but as if your classmate. That's where the guts of God lie. If he cannot become your classmate, he cannot be a good teacher. So any teacher must have a capacity to become your classmate. You follow my point? એનું નામ નિરોધ છે। જો એનામાં એટલો ઈગો હોય ને કે સ્ટુડન્ટ સાથે વાત કેવી રીતે કરવી, હુ આર યુ ટુ આસ્ક મી ધ ક્વેશ્ચન, પ્લીઝ ગેટ આઉટ ફ્રોમ ધીસ જોબ, યુ આર નોટ એ ગુડ ટીચર। ઇફ યુ કેનોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ડિફિકલ્ટી ઓફ સ્ટુડન્ટ ધેન યુ આર નોટ ગુડ ટીચર। એ તો રેકોર્ડ વગાડે તો એ પુસ્તક વાગે ને, પુસ્તકને રેકોર્ડમાં ભરીને વગાડો તો ના વાગે। What do we expect from teacher? He must teach us and he must understand our difficulty, not the difficulty of subject but the difficulty of student. Avin khalma to teacher che subject ni difficulty to apne samji leshu, aaje nahi samjhu kale pustak ma ta samajh ma aavi jashe। So what is required is not the solution of the difficulty of the subject, but what is required is the solution of the difficulty of grasping by a student, then only he can be a good teacher। And God has such character that he can come sit with you, he can play with you, he can fight with you, he can do whatever you want। So he can come down to the your level, then it is nirodh। Is that clear? ફાઇન, એક વાત સમજ કે પહેલો ક્વેશ્ચન શું છે તારો, મુક્તિ એન્ડમાં કેમ નથી આવતી? એક વાત સમજ, મુક્ત કોણ હોય જે બાઉન્ડ હોય? હુ ઇઝ ફ્રી, હુમ વી કોલ ફ્રી? ધ વન હુ વોઝ પ્રીવિયસલી બાઉન્ડ। If not bound, then there is no liberty। So mukti is a relative term,
इट हैज अ मीनिंग ओनली व्हेन यू आर इन बॉन्डेज एंड व्हेन यू गेट लिबरेटेड इट इज मुक्ति. सो मुक्ति इज अ लीला, नॉट द कैरेक्टर एक्टर. इट इज ऑल्सो एन एक्टिंग. मुक्ति इज एन एक्टिंग. गॉट देम? जे रीते क्रिएशन एक एक्टिंग छे, एवी रीते मुक्ति पण एक एक्टिंग छे ने. अने आश्रय इज नॉट एक्टिंग. आश्रय इज नॉट ए एक्टिंग. आश्रय इज एन एक्टर हिमसेल्फ. व्हेन एक्टर इज एक्टिंग, व्हाट डज ही एक्ट? ही एक्ट्स द एनेक्ट्स द कैरेक्टर. सो इवन मुक्ति इज एन एनेक्टमेंट ऑफ द कैरेक्टर. देन ही गॉट लिबरेटेड. हु गेट्स लिबरेशन? द वन हु वॉज बाउंड प्रीवियसली. जे बाउंड ना हो लिबरेट के रीते थी सके? ख्याल में एक बात समझ के पास कौन थाय? जे परीक्षा में बैठो. फेल कौन थाय? जे परीक्षा में बैठो. जे परीक्षा में ना बैठो पास थाय के फेल थाय? इन्हे तो आनंद ज आनंद छे ना. बधो कष्ट जे छे ते परीक्षा में बेसवानो छे. Please define Nirodh in context of Ashray. Ashray को मतलब मैंने बता दियो के सारे मेकअप को उतार देनो अपने. और Nirodh का मतलब कि जहां डायरेक्टर खुद एक्टिंग करने के लिए स्टेज पे आ जाते हुए. वाको नाम Nirodh. आजकल तो पॉपुलर नहीं रहे और कोई को पसंद नहीं आवे. पुराने जमाने में सस्पेंस मूवी को एक डायरेक्टर तो हिचकॉक, अल्फ्रेड हिचकॉक. कोई ने पिक्चर देखी हो तो अल्फ्रेड हिचकॉक की एक खास हैबिट थी कि सारी पिक्चर बना के और वहाँ में कहीं ना कहीं वो खड़े रहते, या तो झाड़ू मारने के लिए खड़े रहते, कहीं आसे खड़े रहते, कहीं रोड पर चलते रहते. और डायरेक्टर खुद अपने आप को पिक्चर में आ जाता तो हैं. हाँ, मैंने सुभाष गाई की कोई फिल्म देखी नहीं, सब पता नहीं, पर अल्फ्रेड हिचकॉक की मैंने देखी थी फिल्म. तो वो अल्फ्रेड हिचकॉक की ये है, तो सुभाष गाई भी देखो डायरेक्टर खुद फिल्म में आ जाए. तो याको नाम Nirodh है. तो तुमसे एक्टिंग करवा रहे हो है और करवा ही नहीं रहे है, तुम्हारे साथ शामिल हो जा रहे हो कारानी की तरह. अच्छा, आई एम विथ यू. ऐसा जब अपने साथ भगवान आ जाए है, अपने डाउन टू द अर्थ लेवल पे भगवान आ जाए है, तो वाको नाम Nirodh है. और जब अपन लिबरेट हो जाए वाके कारण, वो Nirodh नहीं है पर वो तो मुक्ति है. और अल्टीमेटली देन वी रिमूव ऑल द मेकअप्स एंड वी बिकम आश्रय. दैट इज कमिंग इन टू द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द एक्टर. तो यहां रखें. अच्छा अच्छा श्योर. सॉरी, व्हाट वाज योर सेकंड क्वेश्चन? क्या तो अच्छा आश्रय नो जो बीजो अर्थ आप हाँ हाँ एक थोड़ी धीरज हो तो तमारे पाछी थी सांभळवू पड़, समझ पड़ से. As a matter of fact, there is no graphical illustration is possible of Brahman.
But for sake of convenience, we make a little effort to give some graphical illustration of Brahman. So let us presume this is Brahman. This is not the exact illustration of Brahman, because what do we mean by Brahman? Who is limitless in its existence, in its essence, in its function, in its quality, in its all attributes, who is limitless. So when we draw the circle, we are drawing the limits. So it's not a real representation or illustration of the Brahman, but let us presume that is an unlimited circle. So if this is Brahman, Pachishuthai, let me speak in Vrij Bhasha. तो ये ब्रह्मन जो है, ये ब्रह्मन में सु क्रिएशन हुए है. क्रिएशन काय को हुए? मल्टीप्लीकेशन को, सेल्फ मल्टीप्लीकेशन को. सेल्फ मल्टीप्लीकेशन हुए कहाँ है? विद इन दिस सर्कल, नॉट आउटसाइड दिस सर्कल. तो अपने आप को मल्टीप्लाई करे इन समवट दिस फैशन. या तरह से मल्टीप्लाई करे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ है कि जितनों वाने सेल्फ मल्टीप्लीकेशन किया है, वह मल्टीप्लीकेशन में उन सबको वो भीतर एंटर हुए पाछो. मैं या को अक्सर उदाहरण एक दूं स्वाति बहन को कि वो रसमलाई बनावे. रसमलाई काय में सु बने? दूध में सु बना के पाछी वाकु दूध में डाल दी जाए तो क्या है, वो रसमलाई पाछी दूध पिए. आपको दबा के देखोगे ना तो वहां से दूध निकले. दूध में सु बनी भाई रसमलाई, पाछी दूध में जब डालो तो वो दूध पी ले. पाछी दूध पी ले तब वहां में एडिशनल दूध आवे हो. दूध सु बनी भाई है और पाछी खुद ही दूध को पिए. दूध सु बनी भाई रसमलाई, खुद दूध को पिए. तो दूध को पिए तो ये समझ लो ये रस मलाई, और वो पाछी दूध को पी रही है. अब अंदर भी दूध आ गया. ये जो अंदर दूध आ गया वाकु अपन परमात्मा के. ये आकु ब्रह्म के. इज इट क्लियर? जहां जो वाने अपने में सु क्रिएट कियो वहां में फिर सु एंटर हो जाए इन द फैशन ऑफ दूध मलाई. खाइए तुम लोग ने? अरे स्वाति बहन के यहाँ सत्याग्रह करो, एक दिन रस मलाई खाओ, देखो तुरंत ब्रह्म और परमात्मा को सब भेद समझ में आएगा. कि इतनी क्लास कंडक्ट करवा में रस मलाई भी नहीं खावा मैं तुमको. अब ये देखो परमात्मा, आई बात समझ में? ये परमात्मा के बाद परमात्मा सब में कॉमन है. इन फैशन ऑफ मिल्क. हाँ, अब वाके बाद रसमलाई के भीतर पता नहीं धरें कि नहीं, पर जैसे बादाम को वो मावा धर दो, केसर धर दो, वो आपको सेंट्रल स्वाद बने. वो सेंट्रल स्वाद जो है वो भगवान है. वह भगवान जो है वो न्यूक्लियस की तरह सबके बीच में रहे है. याकू अपन भगवान कहेंगे. अब देखो ये जो स्ट्रक्चर तुमको ख्याल में आयो, ये भगवान को या भगवान को पाछो यहां प्रकट होनो वाको नाम इनकार्नेशन है, निरोध है. आयो ख्याल में? जो अंदर बैठे हुए वाको बाहर आनो, बाहर आके और उनके बीच में उनके जैसे बनो वाको नाम निरोध. क्वेश्चन क्या तो प्लीज रिपीट. आश्रय एटले धर्म नी गति ने जानना रो, ब्रह्म नी गति ने. अब देखो भगवत गति को जानने वालो तो भक्त हो जाएगो.
परमात्मा गति को जानने वालों परमात्मा को प्रेमी हो जाएगो, आश्रय नहीं बनेगो। जाने ब्रह्म की गति को जानी ना, वो ब्रह्म हो जाए। देर कितनी है ब्रह्म को अपने यहां? देखो ब्रह्म संबंध है ना, ब्रह्म संबंध है, कृष्ण संबंध नहीं दें, भगवत संबंध नहीं दें, परमात्मा संबंध नहीं दें। क्यों? क्योंकि कृष्ण अवेलेबल नहीं है, वो तो इंटीरियर कोई इनर मोस्ट रियलिटी है। परमात्मा भी इजीली अवेलेबल नहीं है, वो भी इनर मोस्ट रियलिटी है। ब्रह्म सब जगह मौजूद है। तो ब्रह्म की गति को जो जान रहे हो ना, वो सबकी गति को जान लेगो। सहज संभव है कि अपन कृष्ण को जान जाए पर ब्रह्म को नहीं पहचान पाए। कंस ने कृष्ण को जाने तो कि नहीं जाने? तो कृष्ण के परमात्मा होने के एस्पेक्ट को नहीं जान पाए। तो इफ एट ऑल ब्रह्म होने के एस्पेक्ट को जान लेते वो सारी बात खुलासा हो जाती। याली अपने यहां सेवा में ठाकुर जी की सेवा करने के पहले ब्रह्म संबंध क्यों दें, कृष्ण संबंध क्यों नहीं दें? सेवा कृष्ण की करनी है कि ब्रह्म की करनी है? सेवा तो कृष्ण की करनी है, पर ब्रह्म संबंध जो नहीं भयो तुम्हारो, तो तुम वाकू क्या मानोगे? ढिंगला ढिंगली कुछ मानोगे? क्योंकि कृष्ण एज सच उनके कृष्ण के फॉर्म में तो अपने पास अवेलेबल नहीं है ना, कोई इमेज के रूप में या कोई रूप में अवेलेबल है। तो ब्रह्म तो हो सके वो, कृष्ण के तरह वाकू ट्रीट करना गट्स चाहिए ना। तो जो ब्रह्म की गति को जान रहे हो वो आश्रय भावापत्ति हो जाए, और कृष्ण की गति को जानने से आश्रय भावापत्ति नहीं होगी, कृष्ण भक्ति हो जाएगी। परमात्मा की गति को जानने से परमात्मा रति हो जाएगी, पर आश्रय भावापत्ति नहीं होगी। ब्रह्म की गति को जो समझ रहे हो ना, क्योंकि ब्रह्म जो है वो ऑल एंड कंपासिंग रियालिटी है। तो वेन यू रियलाइज द ऑल एंड कंपासिंग रियालिटी, देन you know it, that you are what you are, nothing is left। ब्रह्म में कोई बाकी नहीं रह जाए। जैसे अपन ने कृष्ण किया हो तो कृष्ण वो है और मैं कृष्ण भक्त हूं। ब्रह्म के लिए अपन ये नहीं कह सकें कि ब्रह्म वो है। ब्रह्म को अपन ऐसे दिखा नहीं सकें कि ये ब्रह्म है। ब्रह्म के लिए अपन क्या कहेंगे? सब कुछ ब्रह्म है। देखने वालों ब्रह्म है, दिखने वालों ब्रह्म है, देखने को इंस्ट्रूमेंट ब्रह्म है, दिखलाई दे रहे हो वो ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। कृष्ण के साथ ये पॉसिबल नहीं है। आयो डिफरेंस ख्याल में? यानी ब्रह्म की गति जो जान रहे हो वो आश्रय भावापत्ति है, कृष्ण की गति जान रहे हो वो कृष्ण सेवा कर सके, कृष्ण भक्ति कर सके। पर सेवा के पहले ब्रह्म संबंध होना या लिए जरूरी है कि ब्रह्म संबंध होएगो तो तुम कृष्ण को वाके प्रॉपर, जैसे भगवान अपना प्लेसमेंट करे ना, ऐसे वी मस्ट प्रोवाइड द गुड प्लेसमेंट टू कृष्णा फॉर वर्शिप। इफ यू आर नॉट प्लेसिंग कृष्णा इन परमात्मा, इफ यू कैन नॉट प्लेस कृष्णा इन ब्रह्म, देन योर केस इज लॉस्ट। सो यू मस्ट प्लेस कृष्णा, अपन भी आपको प्लेसमेंट करें जैसे वो अपना प्लेसमेंट करें। ये आखो क्रक्स है, आखो वो अपना प्लेसमेंट कर रहे हो, अपन वाको प्लेसमेंट कर रहे हैं कि भाई अपन कृष्ण को जब सेवा के लिए पधरा रहे हैं तो वेयर डू वी प्लेस हिम? जैसे अपन घर में एक पोपट पाल रहे हैं, एक बिल्ली पाल रहे हैं, वातर से कृष्ण को पाल रहे हैं? सर्टनली नॉट। वाको कहाँ प्लेसमेंट कर रहे हैं? परमात्मा में। वाको प्लेसमेंट कहाँ कर रहे हैं? ब्रह्म में। पोपट बिल्ली की तरह वाको पाल नहीं रहे। तो जब परमात्मा और ब्रह्म में वाको प्लेसमेंट करोगे ना, तब वो कृष्ण तुम्हारे को निरोध करेगो। और पोपट बिल्ली की तरह पाल लियो तो वो मछली खाते रहेगो, और तो क्या करेगो ज्यादा से ज्यादा और करके गुड फॉर नथिंग है ना वो तो। वासु ज्यादा वो कुछ कर नहीं सके, पोपट कितना करे, मूंगफली दो खा जाए, पोपट पोपट बोले और क्या कर सके। वो जो ये जो मैंने आखो नेटवर्क को जो वास्टनेस है वो वहां में कहां से रिवील होगी?
unless you know Brahman. Yaliye Brahma Sambandh is must before seva. Aayo khyal mein? तो यहां रखे अपन कि और भी है कुछ क्वेश्चन? हाँ हाँ श्योर. तुम लोग इतना पूछ रहे हो, मुझको बहुत खुशी हो रही है. क्योंकि जा तरह से वो ब्रह्म अन्वित हो रहे है अपने साथ. वो तो जो अपने को अवेलेबल है वाको फॉर्म वो है, और जो अपने को अवेलेबल नहीं है वो फॉर्म वाको व्यतिरेक को है, ट्रांसेंडेंटल है. तो वो ट्रांसेंडेंटल जो है वाको अपन व्यतिरेक कह रहे हैं. तो जहां जैसे सदाचार, अब सदाचार अपन चार वाक के पॉलिसी से सोचें तो सदाचार की जरूरत क्या है? जब भाई उधार लेके मैं चैन मौज मार सकता हूं तो कमा के काय को खानो? क्यों कमा के खानो? तो जो ब्रह्म की जो अन्वय की जो सिस्टम है वहां में तुमको ये अवेलेबल हो जाएगा कि उधार लेके खाओ मौज मारो, जब तक जीनो मौज से जियो, व्यर्थ में काय को तकलीफ पानी. मुसीबत का नाम महात्मा गांधी क्यों करना? तो जब सदाचार अपन करना चाह रहे हैं तो कुछ अपने को ट्रांसेंडेंटल वैल्यू पकड़नी पड़ेंगी. जब अपन डिवोशन कर रहे हैं तो डिवोशन में फर्क क्या है? वही जो मैंने बताया कि खीर भी ब्रह्म है, ब्रह्म तो वहां इमिनेंट है ही ना, पर जो ट्रांसेंडेंटल कैरेक्टर है ब्रह्म को वो वहां नहीं दिख रहे हो अपने को. जब नहीं दिख रहे हो तो मतलब खीर के साथ तुमको थोड़ा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा ना. तो डिवोशन के मैटर में, निरोध के मैटर में, मुक्ति तो मतलब अपन खुद ही रिवर्स कर रहे हैं तो वो पाछो ट्रांसेंडेंटल के तरफ जाने की पद्धति है ना. वार्थ में वो व्यतिरेक है, और ये जो पांच हैं वो अन्वय है, इन द मैनर इन विच ही बिकम्स इमिनेंट विद इन अस और अराउंड अस. और जो ट्रांसेंडेंटल के जो भी फंक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे हैं? विच लीड्स अस फ्रॉम मंडेन लेवल टू ट्रांसेंडेंटल लेवल. So there is a cycle, comes like down at our mundane level and then again gets upward on transcendental level. Aayo khyal mein? देखो मुक्ति तो एक ढंग से नहीं, भागवत में 2500 ढंग से मिलती हुई बताई गई है. और 2500 ढंग से जो मुक्ति मिलती है ना, उन सब मुक्तियों के अलग अलग शेड्स हैं. मगर जब वो हमारे साथ आता है तब मुक्ति ना भी मिले तो मुक्ति से ज्यादा मिल जाता है कुछ. आया ना ख्याल में? मुक्ति ना भी मिली ना तो मुक्ति से बहुत ज्यादा मिल जाता है, बस फर्क ये है. जैसे एक बात समझ के, कारानी का मैंने एग्जाम्पल दिया ना, समझो कारानी मेरे बाजू में आके ना बैठता होता तो क्या मैं परीक्षा में फेल हो जाता? फेल नहीं होता. वो वहां खड़े खड़े समझाता ना, तब भी समझा सकता था. और नहीं भी समझाता तो मैं पढ़ के भी तो पास हो सकता था ना, कोई गाइड बुक पढ़ के या किसी दूसरे प्रोफेसर से कोचिंग लेके.
पर जब वो प्रोफेसर खुद मेरे बाजू में आके बैठ के मुझे समझाता है, वो पास होने की सिग्निफिकेंस खत्म हो जाती है, पढ़ने की मजा आने लगती है। बात समझ में? पास होने की एक अलग मजा है और पढ़ने की एक अलग मजा है। तो पढ़ने में मजा आने लग जाती थी, वह प्रोफेसर अपने बाजू में बैठ के पढ़ा रहा है लाइक क्लासमेट। उस इंटीमेसी से अपने साथ वो डिस्कस करे सब्जेक्ट को, पढ़ना एक आनंद हो जाता था। अभी पढ़ना टॉर्चर हो जाता है, पर फिर पढ़ना एक प्लेजर बन जाता था। तो वो जो है, जो अपन जो भी कुछ कर रहे हैं दुनिया में कामकाज, वो कामकाज अपने लिए टॉर्चरस भी हो सकता है, प्लेजेंट भी हो सकता है। बट द व्हेन ही कम्स एंड लिव्स विथ अस, इट्स अ प्लेजर, सुप्रीम प्लेजर। दैट्स व्हाट वी मीन बाय निरोध। इफ वी गेट लिबरेशन इट्स ऑल राइट, इफ वी डू नॉट गेट लिबरेशन इट्स ऑल राइट, हु बॉदर्स अबाउट लिबरेशन देन इफ ही इज विथ अस। अपने यहां तो नहीं है, पर शायद तो मर गई अब वो। अमेरिका में एक जाज सिंगर थी, महेलिया जैक्सन, सुना है नाम? बहुत अच्छी जाज सिंगर थी, ब्लैक, मोटी थी, बहुत टॉप सिंगर थी। तो उसका एक फेवरेट सॉन्ग था जाज का, हु इज अफ्रेड ऑफ सैचान व्हेन आई एम वॉकिंग हैंड टू हैंड विथ माई क्राइस्ट, हु इज अफ्रेड ऑफ सैचान। इतना अच्छा गाती थी, यहाँ चर्च वाले सब परेशान हो गए। चर्च में उसको गाने के लिए बुलाया, तो मैं चर्च में जाता नहीं, पर महेलिया जैक्सन आई तो मैंने कहा भाई जाना पड़ेगा चर्च में। तो मैं चर्च में गया उसका गाना सुनने, वो पादरी हल्ला मचा रहा था, भाई ये चर्च में भजन हो रहा है, ये तुम्हारा म्यूजिकल प्रोग्राम नहीं है। इतना उत्साह से गाती थी, और गाते गाते फिर जैसे आजकल करते नहीं, ये तो अब तो बहुत अलग अलग साउंड निकालने शुरू कर दिए, उस जमाने में तो ऐसे साउंड सब निकलते नहीं थे। गाते गाते ए हे आई व्हाई शुड आई बी अफ्रेड ऑफ सैतान, इतना अच्छा गाती थी। व्हेन आई एम वॉकिंग हैंड इन हैंड विद क्राइस्ट, मजा आ जाता था। और सब क्लैपिंग करते, ताली बजाते, नाचते कूदते, पादरी हल्ला मचाता, ए चर्च की तुम डिग्निटी खत्म कर रहे हो, हु बॉदर्स अबाउट प्रीस्ट व्हेन महेलिया जैक्सन वाज सिंगिंग। इट वाज अ रियल प्लेजर, उसका जो इन्वॉल्वमेंट था गाने का, एक्सेलेंट, पार एक्सेलेंट। तो एक बात हुआ है ना कि जब कोई आदमी उस इन्वॉल्वमेंट के साथ गाता है ना, तो अपन तो क्रिश्चियन नहीं है ना। और एक सच बात बताऊं, मुझे कभी शैतान का डर लगता नहीं है। इवन देन आई एंजॉयड हर सॉन्ग, द वे शी यूज टू सिंग एंड द इन्वॉल्वमेंट शी शोन इन दैट सॉन्ग, इट वाज अ सुप्रीम जॉय। वो तुमने सुना होगा कभी, नुसरत फतेह अली। अब वो तो क्या नात और कव्वाल गाता है, मगर किसने इन्वॉल्वमेंट से गाता था। तो अपन मोमेडन नहीं हो तो भी पसंद आता है उसके गाने की अदा से, ऐसे मूल बात ये है। तो भगवान जब अपने साथ आते हैं ना, तो जो भक्त हैं उनको भी मजा आता है, जो भक्त नहीं है उनको भी मजा आने लग जाता है। सबको मजा आता है कि भगवान अपने साथ आ गया, बस डिफरेंस यहाँ हो जाता है। भक्त को मजा आए तो क्या मजा आई, वो तो भक्ति है, मजाक लेने के लिए बैठा। पर जो भक्त नहीं उसको भी मजा आने लग जाए, मतलब मजाक हाई पॉइंट पे गई ना। यहाँ रखें तो अपन आश्रय को पद गान करके आज को शिविर यहाँ खत्म करेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में जासो हो निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो,
दृढ़ैन चरणन के। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरे नवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत्। तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। शुरू करें। जरासंध समानीत सैन्यघाती विचारकः यवनव्याप्त मथुरा जनदत्त कुशस्थली द्वारकाद्भुत निर्माण विस्मापित सुरासुरः मनुष्यमात्र भोगार्थ भूम्या नीतेन्द्र वैभव यवनव्याप्त मथुरा निर्गमानंद विग्रह मुचुकुंद महाबोध पवन यवन प्राण दर्पः मुचुकुंद स्तुता शेष गुणकर्म महोदयः फलप्रदान संतुष्टिर जन्मांतरित मोक्षदः शिवब्राह्मण वाक्याप्त जय भीति विभावना प्रवर्षण प्रार्थिताग्नि दाना प्रवर्षण प्रार्थिताग्निदान पुण्यमहोत्सवः प्रवर्षण प्रार्थिताग्निदान पुण्यमहोत्सवः दीर्घ जावी रह्यो छे शॉर्ट प्रवर्षण प्रार्थिताग्निदान पुण्य महोत्सव हवे बराबर नहीं तो पाछो सुखी थई जाय। रुक्मणी रमण काम पिता प्रद्युम्न भावना समन्तकमणि व्याज प्राप्त जाम्बवती पति समन्तकमणि व्याज प्राप्त जाम्बवती पति
सत्यभामा प्राणपति कालिंदीरतिवर्धन मित्रविंदापति सत्यापतिर्वृषनिषूदन भद्रा वांछित भर्ता च लक्ष्मणावरणक्षमः इंद्रादि प्रार्थित वध नरकासुरसूदनः मुरारिः पीठहंता च ताम्रादि प्राणहारकः षोडशस्त्री सहस्रेश छत्रकुंडलदानकृत सहस्रेश छत्रकुंडलदानकृत पारिजातापहरणो देवेन्द्र मदनाशक रुक्मिणी सम सर्वस्त्री साध्य भोगरति प्रदः रुक्मिणी परिहासोक्ति वाक्तिरोधानकारकः पुत्र पौत्र महाभाग्य ग्रह धर्म प्रवर्तकः शंबरांतक सत्पुत्र विवाहत रुक्मिकः उशापहृत पौत्र श्रीर्बाण बाहु निवारकः शीतज्वर भयव्याप्त ज्वर संस्तुत षड्गुणः शंकर प्रतियोद्धा च द्वंद्व युद्ध विशारदः नृगपाप प्रभेत्ता च ब्रह्मस्वगुण दोषदृक् विष्णु भक्ति विरोधैक ब्रह्मस्व विनिवारकः बलभद्राहित गुणो गोकुल प्रीतिदायकः गोपी स्नेहैक निलयो गोपी प्राणस्थिति प्रदः वाक्यातिगामी यमुना हलकर्षण वैभवः पौंड्रकत्याजित स्पर्धः काशीराज विभेदन काशी निदाह करण शिवभस्म प्रदायकः द्विविध प्राण घाती च कौरवा खर्व गर्वनुत् लांगला कृष्ट नगरी संविघ्नाखिल नागरः प्रपन्ना भयद सांब प्राप्त सन्मान भाजनम् नारदान्विष्ट चरणो भक्त विक्षेपनाशकः सदाचारैक निलय सुधर्माध्यासितासनः सदाचारैक निलय सुधर्माध्यासितासनः
जरासंधावरुद्धेन विज्ञापित निजक्लमा मंत्र्युद्धवादिवाक्योक्त प्रकारैकपरायण राजसूयादिमखकृत् संप्रार्थितसहायकृत् इंद्रप्रस्थ प्रयाणार्थ महत्संभार संभृति जरासंधवधव्याज मोचिताशेष भूमिपः सन्मार्गबोधको यज्ञ क्षितिवारण तत्परः शिशुपाल हति व्याज जयशाप विमोचकः दुर्योधनाभिमानाब्धि शोषबाणवृकोदरः महादेव वर प्राप्त पुरशाल्व विनाशक दंतवक्त्रवधव्याज विजया घौघनाशक विदूरथ प्राणहर्ता न्यस्त शस्त्रास्त्र विग्रह उपधर्म विलिप्तांग सूत घाति वर प्रदः बल्वल प्राण हरण पालितर्षि श्रुतिक्रियः सर्वतीर्थाघनाशार्थ तीर्थयात्रा विशारद ज्ञानक्रिया विभेदेष्ट फलसाधन तत्पर सारथ्यादिक्रियाकर्ता भक्तवश्यत्वबोधक सुदामारंक भार्यार्थ भूम्या नीतेन्द्र वैभवः रविग्रह निमित्ताप्त कुरुक्षेत्रैक पावनः नृपगोपी समस्त स्त्री पावनार्थाखिल क्रिय ऋषि मार्ग प्रतिष्ठाता वसुदेव मखक्रिय वसुदेव ज्ञानदाता देवकी पुत्रदायकः अर्जुन स्त्री प्रदाता च बहुलाश्वस्वरूपद श्रुतदेवेष्टदाता च सर्वश्रुतिनिरूपितः सर्वश्रुतिनिरूपितः हजी दीर्घ आवी रह्यो छे सर्वश्रुतिनिरूपितः हाँ वृकग्रस्त शिवत्राता नाना वाक्य विशारदः वृकग्रस्त शिवत्राता नाना वाक्य विशारदः नरगर्व विनाशार्थ हृत ब्राह्मण बालकः
लोकालोक परस्थान स्थित बालक दायक द्वारकास्थ महाभोग नाना स्त्रीरतिवर्धन मनस्तिरोधान कृत व्यग्र स्त्री चित्त भावित मुक्ति लीला विहरणो मौशल व्याज संहृति श्री भागवत धर्मादि बोधको भक्ति नीति कृत उद्धव ज्ञान दाता च पंचविंशतिधा गुरुः आचार भक्ति मुक्त्यादि वक्ता शब्दोद्भव स्थितिः हंसो धर्म प्रवक्ता च सनकाद्युपदेशकृत् भक्ति साधन वक्ता च योग सिद्धि प्रदायक नाना विभूति वक्ता च शुद्ध धर्मावबोधक मार्गत्रय विभेदात्मा नाना शंका निवारक भिक्षु गीता प्रवक्ता च शुद्ध सांख्य प्रवर्तक मनोगुण विशेषात्मा ज्ञापकोक्त पुरूर्ववा पूजा विधि प्रवक्ता च सर्व सिद्धांत बोधक वंस मोर पूजा विधि प्रवक्ता च नहीं पूजा विधि प्रवक्ता च सर्व लघुस्वमार्ग वक्ता च स्वस्थान गति बोधक यादवांगोपसंहर्ता सर्वाश्चर्य गति क्रिय कालधर्म विभेदार्थ वर्णनाशन तत्पर बुद्धो गुप्तार्थ वक्ता च नाना शास्त्र विधायक नष्ट धर्म मनुष्यादि लक्षण ज्ञापनोत्सुक आश्चर्यैक गति ज्ञाता कल्किः कलिमलापः शास्त्र वैराग्य संबोधो नाना प्रलय बोधक विशेषतः शुक व्याज परीक्षित ज्ञान बोधक शुकेष्ट गति रूपात्मा परीक्षित देह मोक्षदः शब्द रूपो नाद रूपो वेद रूपो विभेदन व्यास शाखा प्रवक्ता च पुराणार्थ प्रवर्तक व्यास का प्रवक्ता च पुराणार्थ प्रवर्तक मार्कण्डेय प्रसन्नात्मा वटपत्र पुटेशय माया व्याप्त महामोह दुःख शांति प्रवर्तकः
महादेवस्वरूपश्च भक्तिदाता कृपा निधि आदित्यांतर्गतः कालः द्वादशात्मा सुपूजितः श्री भागवत रूपश्च सर्वार्थफलदायक इतीदं कीर्तनीयस्य हरेर्नाम सहस्रकम् पंचसप्तति विस्तीर्णं पुराणांतरभाषितम् येतत् प्रातरुत्थाय श्रद्धावान् सुसमाहितः जपेद् अर्थाहितमतिः स गोविन्दपदं लभेत् सर्वधर्म विनिर्मुक्तः सर्वसाधनवर्जितः एतद्धारणमात्रेण कृष्णस्य पदवीं व्रजेत् हर्यावेशितचित्तेन श्रीभागवतसागरात् समुद्धृतानि नामानि चिन्तामणिनिभानिः चिन्तामणिनिभानिः कण्ठस्थितान्यर्थदीप्त्या बाधन्ते ज्ञानजं तमः भक्तिं श्रीकृष्णदेवस्य साधयन्ति विनिश्चितम् किं बहुक्तेन भगवान् नामभिस्तुत षड्गुणः आत्मभावं नयत्याशु भक्तिं च कुरुते दृढाम् आप छंद बदल रहे हो यः कृष्ण भक्ति मिह वांछति साधनो घैर नामानि भासुर यशांसि जपेत् स नित्यम् ते वै हरिस्वपुरुषं कुरुतेति शीघ्रम् आत्मार्पणं समधिगच्छति भावतुष्टः श्रीकृष्णकृष्णसखवृष्णिवृषावनिध्रुक् राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य गोविंद गोप वनिता व्रज भृत्य गीतः तीर्थ श्रव श्रवण मंगल पाहि भृत्यान् इति श्रीमद् वल्लभाचार्य समुद्धृतम् श्री पुरुषोत्तम नाम सहस्रम् आज अपनो पाठ पूरो भयो। देखो महाप्रभु जी यहाँ 73 पेज के ऊपर टॉप जो लाइन है वहाँ क्या कह रहे हैं, हर्यावेशित चित्ते न श्री भागवत सागरात् समुद्रतानि नामानि चिंतामणि निभानि ही। मैंने भगवान में मन लगा के और भागवत के सागर में सु मैंने रत्न जैसे ये हजार नाम खोजे हैं और वो कैसे हैं, चिंतामणि जैसे हैं। चिंतामणि माने जो अपनी वो जैसे वो विस्ट्री हुए ना वह तरीके के जो अपन इच्छा करें वो पूरी करने वाले नाम हैं।
तो अपनो पाठ पूरो भयो, क्योंकि गोपीनाथ जी के लिए ये पुरुषोत्तम शास्त्र नाम महाप्रभु जी ने लिखे हो। या साल अपन गोपीनाथ जी की 5th सेंटिनरी मना रहे हैं, तो वाह के सेलिब्रेशन के रूप में अपन ने ये पाठ कियो और वहाँ पर चिंतन भी अपन कर रहे हैं। थोड़ो इंटरवल करके कर। રોમાં બેસવાનું બધાએ, હા આગે સબ कल जो दशविध लीला मैंने बताई, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मन्वंतर ईशानुपथा निरोध मुक्ति और आश्रय, वहां में एक बात बताई थी कि आश्रय जो है वो ऑलमोस्ट जैसे रिसाइकल की प्रोसेस स्टार्ट होने फिर से जा रही है, वह तरीके को है। या बारे में एक खास बात ध्यान देने की है और वो ये है कि आश्रय को जो स्वरूप है वो अपन ने पहले दिन कैसे बतायो, याद है कोई को? सच्चिदानंद बतायो ब्रह्म। कल भी वो पूछे तो ना आश्रय के बारे में कोई ने, कि ब्रह्म गति को जाने हैं वगैरह वगैरह। तो ध्यान से समझो के ब्रह्म को अपन ने सच्चिदानंद कहो। अब सच्चिदानंद कहो वाको अपन ने देखो के सत माने जो बीइंग है, चित यानी जो कॉन्शियस है। आनंद के लिए अपन ने देखो के वो अनलिमिटेड है। अब ये जो अनलिमिटेडनेस है, वो अनलिमिटेडनेस का स्वरूप क्या, वो थोड़ा देखोगे तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग, कल बहुत लोगों को कॉरोलरी समझ में नहीं आई कि कॉरोलरी क्या हुआ है, कॉरोलरी क्या हुआ है। पर एक बात बताऊं कि अपने कैलकुलेटर हुए कि नहीं, कैलकुलेटर में अपन एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, या डिवीजन को, या मल्टीप्लिकेशन को पहले फीड करें, वाके बाद दो इक्वल लाइन अपन हुए वाको दबा में तो वाको रिजल्ट आवे ना। वो दो लाइन दबानो वाको मतलब क्या कि जो भी कुछ तुमने ऊपर किया हो वाकी कॉरोलरी क्या है। तो दो लाइन को दबा के जो अपन देखें वो जो अपन ने ऊपर फीड किया है, जैसे चार, चार गुना तीन मल्टीप्लाइड बाय थ्री इक्वलेंट टू 12, तो इक्वलेंट टू की साइन को जब वो खत्म क्लिक करें
वो कॉरलरी सूट 12 आ रहे हो, आया ख्याल में? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यह मैं एक समझने की बात है कि जैसो अपन ने वाको ब्रह्म को आश्रय का स्वरूप दिखाया है, वा स्वरूप की कॉरोलरी में सर्ग है, वा सर्ग की कॉरोलरी में विसर्ग है, विसर्ग की कॉरोलरी में स्थान है, स्थान की कॉरोलरी में पोषण है, पोषण की कॉरोलरी में ऊति है, ऊति की कॉरोलरी में मनवंतर है, फाइन, और मनवंतर की कॉरोलरी में ईशानुकथा है, ईशानुकथा की कॉरोलरी में निरोध है, निरोध की कॉरोलरी में मुक्ति है, और मुक्ति की कॉरोलरी में पाछो आश्रय है, एंड देन अगेन द साइकिल स्टार्ट्स। थोड़ा सा या बात पे ध्यान देखो, बहुत मजा आएगी कि हर चीज एक दूसरे की कॉरोलरी में कैसे आ रही है। कॉरोलरी मन अब समझ गए ना, जो भी अपन ने फीड की हो सम वाको अपन इक्विवेलेंस दबा में, तो जो अपने को रिजल्ट मिले वो वाकी कॉरोलरी है, समझ गए? अब देखो अपन ने एक बात देखी कि ओरिजिनल जो है वो बीइंग है, कॉन्शियस है और अनलिमिटेड है। अब यहां 5, 10, 25 होते ना तो मैं सबकी परीक्षा भी लेता, अब 250 की परीक्षा लेना थोड़ो मुश्किल है, और मैं परीक्षा देता भी, क्योंकि जब स्टूडेंट की परीक्षा लें अपन तो टीचर को एक कर्तव्य है कि स्टूडेंट्स को खुद की भी परीक्षा लिवानी चाहिए, पर लिवा तो पर 250 में पॉसिबल नहीं है, लिमिटेड ग्रुप होए तो मैं परीक्षा देतो भी और लेतो भी तुम्हारी, पर अभी अपन जा क्वांटिटी में वा क्वांटिटी में ये पॉसिबल नहीं है प्रोसीजर, फिर कभी स्मॉल ग्रुप में बताऊंगा तुमको कि कैसे परीक्षा लेनी और कैसे परीक्षा देनी, मैंने टीचर के परीक्षा स्टूडेंट को लेनी चाहिए और स्टूडेंट की परीक्षा टीचर को लेनी चाहिए, दोनों जब एक दूसरे की परीक्षा लें तब पढ़ाई सच्ची क्या हुआ है, एक ने एक की परीक्षा ली और दूसरा ऐसे ही टिली ली करके भाग गया, वो सच्ची पढ़ाई नहीं, दोनों को एक दूसरे की परीक्षा लेनी चाहिए। तो अभी परीक्षा लेने की तो चांसेस कम हैं, पर फिर भी थोड़ो एक हाथ ऊँचे करके जाकू ख्याल आवे वो बताइयो। देखो अपन कहने को या को बीइंग कॉन्शियस अनलिमिटेड कह रहे हैं, हाँ, अब शब्द अपन ने तीन वापरे हैं, पर वो क्या तीन कंपार्टमेंट की वस्तु है के होमोजीनियस, होमोजीनियस काय को कहें समझो, होमोजीनियस काय को कहें, हाँ जा में कंपार्टमेंट नहीं हुए, ऊपर नीचे आगे पीछे भीतर बाहर सब जगह से वो एक जैसे दिखते हुए वो होमोजीनियस हुए। अच्छा तुम बता के आम को जो फले होमोजीनियस हुए के नहीं, क्यों? भीतर गोटली है, बाहर छिलका है, बीच में फल है। केला वो भी होमोजेनियस नहीं है, और नारियल बिल्कुल ही होमोजेनियस नहीं है नारियल तो सब तरह से हेट्रोजीनियस ही है, क्योंकि हर लेयर पे वाके कुछ अलग ही खटराक चल रहे हो नारियल के, आयो ना ख्याल में? होमोजेनियस कैसे हुए, जैसे अपन ने एक मिश्री को टुकड़ा लियो, ऊपर नीचे आगे
पीछे भीतर बाहर सब जगह मिश्री है। आयो ख्याल में? अब बराबर आयो होमोजीनियस को मतलब ख्याल में सबको? होमोजीनियस इतले सिमिलर तो बे होए तो सिमिलर कहवाए। हाँ, एक जेवू देखाय हवे समझो। तो जो बीइंग है ब्रह्म की, वो ऐसी बीइंग नहीं है कि कॉन्शियस नहीं है। कॉन्शियस है ब्रह्म, वो ऐसा कॉन्शियस नहीं है कि जो नॉन बीइंग होए। ये बीइंग कॉन्शियस अनलिमिटेड है, वो अनलिमिटेडनेस वाकी ऐसी नहीं है कि बीइंग और कॉन्शियस नहीं हो और अनलिमिटेडनेस होए। अच्छा, लेट अस स्टार्ट। अब तुम मेरी नहीं ले सका, पर मैं तो थोड़ी ले लूं ना। जैसे नॉन बीइंग है पर अनलिमिटेड है, वाको एग्जांपल क्या? थिंक ऑफ, इट डजंट एग्जिस्ट येट इट इज अनलिमिटेड। हाँ, एयर एग्जिस्ट, हाउ कैन यू से एयर डज नॉट एग्जिस्ट? वेट, थोड़ा बच्चन को चांस ले लेने दो, छोटे बच्चन को। हाँ, फिर लो। हाँ, डू यू मीन टू से नेटवर्क डजंट एग्जिस्ट? नेटवर्क डज एग्जिस्ट। मोबाइल एग्जिस्ट नहीं हो तो आपने बात को ना थी करी है। जीरो, जीरो इज इनफाइनाइट एंड इट डजंट एग्जिस्ट। छे के नहीं? खोटू बोलियो? जीरो अनलिमिटेड हो, जीरो नी कोई वैल्यू ना हो ना। जीरो ने वैल्यू क्यारे एस्क्राइब थाय? कोई पण नंबर नी पाछळ मूकीए त्यारे, त्यां सुधी तो जीरो नी वैल्यू अनलिमिटेड छे अने इट डजंट एग्जिस्ट। सो देर केन बी अनलिमिटेडनेस विधाउट बीइंग एंड विधाउट कॉन्शियसनेस। इज इट क्लियर? बराबर गमी के नहीं बात? तो आज ब्रह्मनी अनलिमिटेडनेस छे, जीरो टाइप नी अनलिमिटेडनेस नथी। इट हैज सम पॉजिटिव एलिमेंट, अने इट इज ए होमोजीनियस फिनोमिना। एटले भीतर बाहर क्यांय थी पण ब्रह्म ने जोशो तो अनलिमिटेड छे, भीतर बाहर अंदर नीचे क्यांय थी पण जोशो कॉन्शियस छे, अने दरेक ठिकाने इट एक्जिस्ट बीइंग पण छे। हाँ, आव्यू ख्याल में? हवे अनलिमिटेडनेस जे एनी छे एमां एक जोवानी ब्यूटी ए के बाय नेचर बाय डिफॉल्ट अनलिमिटेड छे, एटले एनी कॉन्शियसनेस पण अनलिमिटेड छे अने एनु बीइंग पण अनलिमिटेड छे। आपणो बीइंग लिमिटेड होय तो शुं थाय? सपोज वी नो दैट वी आर लिमिटेड बीइंग, सो हाउ वी डिफर फ्रॉम ब्रह्मन? हाँ, फाइन, आपनी कॉन्शियसनेस लिमिटेड होय तो शुं थाय? ब्रह्मनी कॉन्शियसनेस लिमिटेड नथी, आपनी कॉन्शियसनेस लिमिटेड छे। सो व्हाट डू वी मीन बाय दैट? देख, तने माकड़ काटतो होय ना हमणा तो मने खबर नहीं पड़े, पड़े खबर? मारू पेट दुखतो होय तने खबर पड़े? तो कॉन्शियसनेस छे ने लिमिटेड। आव्युं ख्याल में? आव्युं बराबर? नो प्रॉब्लम। तो ब्रह्म की जो कॉन्शियसनेस है वो लिमिटेड नहीं है, ब्रह्म की बीइंग लिमिटेड नहीं है। अब जब वो अनलिमिटेड वाकी कॉन्शियसनेस और अनलिमिटेड वाकी बीइंग है करके ब्रह्म की जो पावर है, ब्रह्म को जो पावर है वो भी अनलिमिटेड है। हाँ,
अनलिमिटेड पावर है। तो कल मैंने कंटिन्यूअसली एक बात बताई कि ब्रह्म ने एक के फैशन में अपने आप को मल्टीप्लाई कियो है अनेक में। वन जो है वो सिंगुलरिटी जो है वो मल्टीप्लिसिटी बनी है, ये बताई ना बात। तो अब अपने पास देखो मैथमेटिकली चार बातें हैं, एक तो एडिशन, एक सब्ट्रैक्शन, एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सो अब मेरा क्वेश्चन ये है, अब मैं अपनी परीक्षा दे रहा हूँ तुमको, कैसे दे रहे हूँ, ऐसे दे रहा हूँ कि मैं समझा पायो कि नहीं मैं पास के फेल, मैं समझा पायो तो मैं पास, नहीं समझा पायो तो फेल। अब मेरे को भी टेंशन हो रहा है ये परीक्षा देने में। अब देखो कैसे बताऊं, अब मैं ये तुमसे ये पूछना चाह रहे हूं कि सर्ग की जा वक्त अपन बात कर रहे हैं कि या ब्रह्म में सुसर्ग पैदा हो है, हाँ मीन्स क्रिएशन। तो सबसे पहले वो अपने आप में एडिशन करे है कि सब्ट्रैक्शन करे है कि डिवीजन करे कि मल्टीप्लिकेशन करे, हाँ और कम विथ, सब जने अपने अपने ऑल्टरनेटिव से सोच के बताओ क्या करे। पहला चांस बच्चान को, फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जाए वैसे। स्वाति बहन का चांस नहीं है हाँ अच्छा, दूसरों अपन वोटिंग करेंगे, और कोई को अच्छा या हैं एडिशन अच्छा, और सब्ट्रैक्शन अच्छा, ये चारों के चार बता दोगे तो कुछ नहीं, एक तो सच्चे होएगा ही ना अच्छा मल्टीप्लिकेशन अच्छा अच्छा ठहरो ठहरो, डिवीजन कौन बोलियो, अच्छा जस्टिफाइड, व्हाई डिवीजन, हाँ अच्छा पहले बता डिवीजन तू बिजनेस रूपे बोलियो कि गैम्बलिंग करीने बोलियो Was it a business or gambling? Huh? Business. Then you must have a reason for it. Achha, who agrees or who disagrees with him? Huh? Agreed? Achha. Disagree. Achha. Achha, my capo. Fine. रोटेट कैमरा जा रहे आंसर है, हाँ हाँ प्रभु से ब्रह्मा डिवाइड हुआ और ब्रह्मा में से हम सब मल्टीप्लाई, सो यू एग्री विथ हिम और डिसएग्री, एग्री व्हाट अबाउट यू, हाउ टू जस्टिफाई इट्स डिवाइड्स इनटू लाइक स्प्लिट हो जाए डिवीजंस में, तो
अच्छा, और जो ये कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन हो रहे हो, वो जस्टिफाई करो अपने बात को। हु एग्रीज विद मल्टीप्लिकेशन? अच्छा अच्छा हाँ, माने यू मीन क्वेश्चन ही रॉन्ग है। Yes, sir. So I can follow you that you mean the question is wrong, out of context. Acha. Or koi alternative? Haan. Try it. Dekho, problem interesting hai ke nahi? Oh, how do you feel? Huh? Haan. Haan. अच्छा अच्छा, सो अकॉर्डिंग टू यू ऑल्सो क्वेश्चन इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, क्वेश्चन डजन अराइज। ऑल राइट, सी आई हैव अटेम्प्टेड माई पेपर नाइसली, बट नाउ क्वेश्चन इज हाउ मच मार्क डू आई गेट और व्हाट क्लास डू आई गेट, दैट्स वेयर द हाँ। अच्छा अच्छा, एनी अदर ऑल्टरनेटिव? हाँ फाइन, अच्छा हाँ, स्टैंड बदली रहे हो छे शू?
एक क्वेश्चन एक वक्त आज अटेम्प्ट करा है, बेवकत नहीं। सो हाँ श्योर तो मुझको ऐसे लगे है कि मैं फेल तो नहीं भया परीक्षा में, क्योंकि ध्यान से एक बात समझो कि अपन को एडिशन करना है कुछ भी, तो जाकु ऐड करेंगे ब्रह्म वो को लानो कांसू। जब अपन कह रहे हैं ब्रह्म के अलावा, ब्रह्मा जी को जो पहली बात भगवान ने बताई वो क्या बताई, कि आदि में मध्य में अंत में मैं हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं है, तो एडिशन करें तो काय को ऐड करें जैसे सृष्टि बने, ख्याल में आयो ना। जैसे दाल में अपन चोखा ऐड करें तो खिचड़ी बने, चोखा ऐड नहीं करें तो खिचड़ी बने नहीं बने, तो एडिशन तो हो नहीं सके। सब्ट्रैक्शन जरूर पॉसिबल है कि ब्रह्मा अपने में से कुछ घटा सके, दैट्स पॉसिबिलिटी। मल्टीप्लीकेशन के साथ फिर पाछी वही प्रॉब्लम है, क्योंकि कायसु मल्टीप्लाई करनो, मल्टीप्लीकेशन में ऑलवेज ये प्रॉब्लम तो होगी ना, इफ यू वॉन्ट टू मल्टीप्लाई समथिंग और सम नंबर तो यू गॉट टू हैव सम अदर नंबर, वो नंबर आएगा कहाँ से। सो मल्टीप्लीकेशन भी जो प्राइमोर्डियल स्टेट है वहाँ में मल्टीप्लीकेशन भी पॉसिबल नहीं है, इज इट क्लियर। अच्छा डिवाइड करने के लिए भी कोई नंबर तो दूसरा चाहिए ना, इट इज टू बी डिवाइडेड बाय मीन्स 7 इज टू बी डिवाइडेड बाय 2, सो फ्रॉम वेयर टू ब्रिंग दैट 2, ये क्वेश्चन तो वहाँ भी रहेगा। तो ओरिजिनली क्या है, सबसे पहले ब्रह्म अपने को घटा हुआ है, अब वो मैंने बात बताई थी कल आपको, पहली बात बताई थी के वाके जो अनलिमिटेड पावर है ना, उन पावर को घटाए घटा के वो अपने में से कुछ पैदा करे। तो जो पैदा भयो है वहाँ में, वो मैंने कल कैसे बताया, तो देखो ध्यान से देखो ऐसे, अब यहाँ में पैदा कियो वाने पर अपनी अनलिमिटेडनेस माइनस खुद पर, खुद की अनलिमिटेडनेस नहीं, खुद को खुद के पोर्शन को खुद के पार्ट को लिमिटेशन में वाने प्रकट कियो। एक वक्त जब वो खुद के पार्ट को लिमिटेशन में प्रकट करे, देन मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल एंड डिविजन इज ऑल्सो पॉसिबल, आयो ख्याल में। ऑनवर्ड एडिशन इज ऑल्सो पॉसिबल, फॉर इंस्टेंस जैसे आपको अपन या को ए कह दें या को बी कह दें या को सी कह दें या को डी कह दें या को ई कह दें एफ कह दें जी कह दें, तो ए को यासु ऐड करो, ए को सी सु ऐड करो, एफ को बी सु ऐड करो, तो अलग अलग फार्मूला फिर वहाँ में बन सके ना, एक ही ब्रह्म में फिर मल्टीपल फार्मूला क्रिएट हो सके। पर सबसे पहले वाकी जो होमोजीनियस कैरेक्टर एक सिंगल कैरेक्टर है वहाँ में से वो कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वाके लिए अपने बड़ो मीठो एक शब्द कहो है तिरोहित, वो तिरोहित कर रहे हैं अपने आप को।
अब देखो अपन को तिरोहित कैसे समझ में आवे, देखो ध्यान से समझो। बच्चा जन्मे ना तो बच्चा के पैर के चमड़ी कितनी नरम होवे, जितनी अपनी ये हाथ की चमड़ी भी होवे ना, वासु ज़्यादा नरम होवे, होवे कि नहीं? जन्मते बच्चा की चमड़ी पैर की अपने हाथ से भी ज़्यादा नरम होवे, पर जैसे जैसे बच्चा चलना शुरू करे ऐसे ऐसे वो चमड़ी कड़क होनी जाए, जैसे जैसे कड़क होती जाए ऐसे ऐसे वहाँ में सेंसेशन रिट्रीट करते जाए। जैसे आँख में थोड़ा सा भी कंकड़ पड़े तो चुभे, यहाँ कंकड़ पड़े तो चुभे, क्यों नहीं चुभे? क्योंकि आँख की जो अपनी जो चमड़ी है वो बहुत ही सेंसिटिव है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, उतनी सेंसिटिव यहाँ की नहीं है। एक हाथ में भी यहाँ की चमड़ी जितनी सेंसिटिव है उतनी यहाँ की नहीं है। कोई को भी गर्म है कि ठंडो देखने तो अपन यों देखें जल्दी पता चले, यों देखें तो उतनी जल्दी नहीं पता चले। ऐसे घटते घटते पैर की चमड़ी ऑलमोस्ट नियरली अनसेंसिटिव जैसी हो जाए या सेमी सेंसिटिव जैसी हो जाए। नख बाल दे लूज ऑल द सेंसिटिविटी, कोई काटे तो दुखे नहीं नख को बाल को, टोटली वहाँ अपना सेंसेशन अपनी कॉन्शियसनेस रिट्रीट कर जाए। जो रिट्रीट कर जाए है वाके कारण कोई काटे तो अपने को दुखे नहीं, टूटे तो अपने को दुखे नहीं, आयन ख्याल में? तो सबसे पहले फंक्शन वहाँ में सब्ट्रैक्शन को हुए, अपने आप को घटावे है वो, और घटा के काय को घटावे, कौन से फिनोमिना को घटावे? अनलिमिटेडनेस को, अनलिमिटेडनेस को घटा के अपने लिमिटेड फॉर्म प्रकट करे, हाँ लिमिटेड फॉर्म प्रकट करे। वो जब मल्टीपल वे में प्रकट हो गए उनको फिर एडिशन मल्टीप्लिकेशन और ऑलमोस्ट ऑल दी मैंने थियोरी वहाँ पे फिर एप्लीकेबल हो सके, बराबर कि नहीं? एक वक्त अपने पास 5-10 चीज अवेलेबल हो गई तो सब चीज फिर हो सके। अब यहाँ में ध्यान से देखो बात इंटरेस्टिंग जो है या को ये है कि जब वो पॉसिबिलिटी हो गई तब सर्ग जो है क्रिएशन, क्रिएशन जब अपन कह रहे हैं तो क्रिएशन जो है या ब्रह्म को जो नेचर है, कौन सा नेचर? दैट ब्रह्मन इज अनलिमिटेड कॉन्शियस बीइंग, वह कैरेक्टर की कॉरोलरी में सर्ग हो रहे हो। क्यों? क्योंकि वो कुछ कुछ सब्ट्रैक्ट करे है, सब्ट्रैक्ट करे है करके कोई चीज जो है वो अनकॉन्शियस प्रकट हो जाए लाइक मैटर, और जो लिविंग क्रीचर हैं वो कॉन्शियस प्रकट हुए और उनमें अनलिमिटेडनेस नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन भयो ना पहले। इज दैट क्लियर? बात आई ना ख्याल में? तो या तरीके को वो प्रोसीजर आवे तो वो जो बीइंग कॉन्शियसनेस और अनलिमिटेड महसूस सबसे पहले सब्ट्रैक्शन काय को भयो? अनलिमिटेडनेस को। सो वाक्य कारण सर्ग मैटर और कॉन्शियसनेस को भयो, हाँ जब सर्ग या तरीके को भयो वहां में कोई चीज जड़ पैदा भई, जैसे स्टोन है, एयर है, फायर है, वगैरह वगैरह, ऐसी जड़ पैदा भई, कुछ कॉन्शियस पैदा भयो, वो लिविंग है, उनमें कॉन्शियसनेस है। अब ये आपस में फिर इंटरेक्ट करें, जब ये इंटरेक्ट करें तब जो है वो फिर सृष्टि सर्ग के बाद विसर्ग को क्वेश्चन आवे। कल मैंने बताई ये थे बात कि या कि कॉरोलरी में आ रहे हो है, क्यों कॉरोलरी में आ रहे हो है? अब देखो ध्यान सु कि अनलिमिटेड वहाँ को पावर है, पोटेंशियलिटी है वहाँ में, जहाँ में अनलिमिटेड पोटेंशियलिटी है वही तो अपने आप को प्रोड्यूस कर सके ना, जहाँ में लिमिटेड पोटेंशियलिटी है वो प्रोड्यूस कर सके। समुद्र में अपन ने देखा था ना ये उदाहरण कि समुद्र जो है पूरी भाप को पैदा करने के बाद भी घटे नहीं है, जो
बाबा कह रहे थे कि वो घटे नहीं, तो बात सच है घटे नहीं, पर वो घटे कौन सी चीज़ है जो लिमिटेड होए, जो अनलिमिटेड होए, वो पैदा करके भी घटे नहीं। ख्याल में आई ना, वो घटे नहीं करके बाकी कॉरोलरी में क्रिएशन आवे है, कॉन्शियसनेस और बीइंग की कॉरोलरी में कौन वो आ रहे हो, क्योंकि वाके पावर्स अनलिमिटेड हैं। करके कोई एक चीज पैदा नहीं करे है, मल्टीपल बीइंग्स पैदा हुए हैं, मल्टीपल कॉन्शियसनेस पैदा हुए हैं। आयो ख्याल में? अब जब अपन ने ये बात समझी तब एक दूसरी बात आवे, क्योंकि पांच शुरुआत के जो अन्वय के जो स्टेप्स आते वो अपने क्या आते, क्रिएशन, देन ऑर्गेनाइजेशन, प्लेसमेंट, मेंटेनेंस। और मेंटेनेंस के बाद देखो ऑफिस में क्या हुआ है, जब अपन कोई को अपॉइंट करें, प्लेसमेंट करें, वाके बाद प्लेसमेंट के बाद एक आखो वहाँ एक वर्क कल्चर पैदा हुआ है। ख्याल में आयो? जैसे स्कूल कोई अपन कॉलेज अटेंड करें तो वहाँ भी एक एजुकेशन को एक कल्चर हुआ है। अपन जैसे स्कूल बच्चा कैसी लैंग्वेज बोल रहे हो वासु, अपन समझ सकें कि कैसी स्कूल में जा रहे हो, कैसे टीचर वहाँ होंगे। अब जैसे कोई ऐसी स्कूल हो कि जहाँ गोवानीज क्रिश्चियन पढ़ाते हों, तो स्टूडेंट के टोन में भी अंग्रेजी में वो गोवानीज टोन आएगो कि नहीं। और जैसे कोई गुजराती अंग्रेजी पढ़ाने वाले हों, हेलो हाउ आर यू, वो टोन भी गुजराती आएगो। तो जो एजुकेशन को जो कल्चर है वो भी अलग अलग वहाँ में दिखेगा। वो अपन वास उस बात करते हैं ना वासु, पता चल जाए कि कौन सा एजुकेशन कल्चर है। जैसे सब जगह यही बात है, बिजनेस में भी यही बात है, इंडस्ट्री में भी यही बात है। तो एक वर्क कल्चर पैदा हुए है जो वो वाके इमिनेंट होने के हैं क्रिएशन में। दिस इज हाउ ही गेट्स इमिनेंट, मीन्स बिकम्स अवेलेबल टू अस इन द क्रिएशन। आयो? जैसे टीचर को जो जा तरह से टीचर पढ़ा रहे हो है, वह तरह से स्टूडेंट में एक कल्चर डेवलप होगी ना, बोलने की, सोचने की, बिहेव करने की। तो वो वह टीचर उतने पोर्शन में वहाँ में इमिनेंट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? आयो ख्याल में? बिकॉज दैट्स टू टीचर एग्जिस्ट इन द मेथड ऑफ एजुकेशन, वहाँ के भीतर आ जाए वो कल्चर वाके भी। वाकु उतया कर्म वासना कहो है, जो कर्म अपन रेगुलरली करें वाकी अपने भीतर वा तरीके की वासना मने इंक्लिनेशन टेंडेंसी, एक वो कल्चर पैदा हुआ है उतया कर्म वासना। अब वो देखो कॉरोलरी में आ रही है बात, समझ में? जैसो अपन ने प्लेसमेंट कियो वा तरह सु, अक्सर ऐसे कह जाए कि जिनके माँ बाप जिन बच्चान की बहुत पिटाई करते हुए वो बच्चे हैं बड़े होके गुस्से लो हैं, क्योंकि बचपन में मार खाई हो, कुछ जवाब तो दे नहीं सकते हुए, फिर वो बाट ही देखते हुए कि अपने हाथ में कोई आवे तो फिर पिटा हुआ को। तो जिनने मार नहीं खाई हो बच्चान ने, वो बड़े होके मार सकें भी नहीं, क्योंकि उनके वो कल्चर नहीं डेवलप भाई। अब जिनके माँ बाप गाली देते हुए वो बच्चे भी पछे, उनकी वो जो टॉक की कल्चर है वो वह तरीके की हो जाए। आया ना ख्याल में? जिनके माँ बाप जोर से बोलते हुए बच्चे भी जोर से बोलते हो जाएं, जिनके माँ बाप धीरे बोलते हुए बच्चे भी सॉफ्टली बोलते हो जाएं। ये सब क्या है, जहाँ एनवायरनमेंट में अपन रह रहे हैं वहाँ की वर्क कल्चर अपने में डेवलप हो गए, वाकू ऊती कहो है। बात समझ में आई ना अच्छी तरह से? वाकू ऊती कहे हैं भगवान के, तुमको या एनवायरनमेंट में प्लेसमेंट कियो है वाके कारण तुम्हारे में ये कल्चर डेवलप भई, या तरह से वो भगवान अपने में इमिनेंट हुए है।
डिफरेंट वैरायटी सु अपने में इमिनेंट हुए, कोई एक वैरायटी सु नहीं। जैसे बात समझो, के कोई ऐसी इंडस्ट्री जहाँ घड़ 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 चलती हो, वहाँ काम करने वाले को क्योंकि वो इंडस्ट्री के नॉइस के कारण सुनाई कम देते हो, तो हर वक्त टॉप ऑफ द वॉइस बोलना पड़े, तो वो जब बोलेंगे ना तभी टॉप ऑफ द वॉइस बोलेंगे। और कोई ऐसी जगह अपन जावे कि जहाँ अपने को टॉप ऑफ द वॉइस बोलें तो सबके कान के कर पर्दा फटते हुए, तो वहाँ अपने को भी सॉफ्टली बोलना पड़े। आयो ख्याल में? कोई लोग क्या है, एक्साइटमेंट हो जाए तब बहुत लाउडली बोलें, और अनएक्साइटेडली बहुत सॉफ्टली बोलते हुए। ये सब क्या है, वर्क कल्चर की बात है। एनवायरनमेंट, जहाँ एटमॉस्फेयर में, जहाँ एनवायरनमेंट में अपन रह रहे हैं, वो कल्चर अपने में कोरोलरी से पैदा हुए प्लेसमेंट के कारण। कहाँ अपना प्लेसमेंट भयो, आयन ख्याल में? तो वो जा तरह से अपना प्लेसमेंट भयो स्थान, और जा तरह से पोषण भयो है अपनो स्थान के बाद पोषण, वा तरीके की ऊति अपने भीतर पैदा हुए। दिस इज हाउ ब्रह्मन गेट्स इमानेंट, मीन्स सबसाइड विद इन अस। सबसाइड समझे ना, एग्जिस्ट नहीं हो, सबसिस्ट, दैट इज हाउ सबसिस्ट विद इन अस। वो सबसिस्ट होना अपने भीतर, वाकु इमिनेंट होने के हैं। अब यहां में देखो एक ध्यान से और एक बात, कि जैसो ब्रह्म है बीइंग और कॉन्शियस, वा तरीके को क्रिएशन भयो है कॉरोलरी में। जैसो क्रिएशन भयो है, वा तरीके को ऑर्गेनाइजेशन भयो है। अब क्रिएशन कैसे भयो है, ध्यान से देखो, क्रिएशन भयो है बीइंग को और कॉन्शियसनेस को। अब कॉन्शियसनेस क्या करे है, कॉन्शियसनेस ऑलवेज बीइंग जो है, जो कॉन्शियस नहीं है, वा के तरफ वो अट्रैक्ट हो जाए। तो वा के तरफ अट्रैक्ट हो जाए तो वा के कारण, वा अट्रैक्शन के कारण उन दोनों में काम पैदा हुए। बीइंग में काम पैदा नहीं हुए, जैसे टेबल की कामना ऐसी नहीं है कि मेरे पे कोई माइक धरो, क्योंकि यहां में कॉन्शियसनेस नहीं है। पर यदि टेबल दिखे मुकु, तो मुकु तुरंत कामना हो जाएगी, भाई मेरी सब चीज यहां पे धरू। ख्याल में आया ना? हमारे यहां, मेरे यहां नहीं, सबके घर में आप एक तथ्य जानते होंगे, कहीं भी कोई खूंटी ऐसे निकली भाई हो है ना, घर वाले वहां में चीट टांगना शुरू करें। कहीं भी कुछ निकले भयो दिखे, कोई वहां पर रुमाल टांग जाएगा, कोई नेपकिन टांग जाएगा, कोई छतरी टांग जाएगा, सपाट भीत पे कोई टांगेगा नहीं, पर जहां भी कुछ भी निकले भयो दिखे तो वहां पर टांग जाए। तो अक्सर मैं मजाक उड़ाता रहूं कि भगवान की कृपा है कि अपनी नाक ज्यादा निकली नहीं, अपन खड़े हुए तो कोई यहां भी छतरी टांग जाए। ऐसे हुए। और ध्यान से देखो, चश्मा अपने को क्या टांगे, नाक खड़ी होती या लिए, नाक खड़ी नहीं होती तो कोई चश्मा टांगता है, यहाँ कान हते यहाँ करके डंडी ऐसी अपन ने बना ली। तो हर वक्त अपनी ये रिक्वायरमेंट ऐसे हो कि कहीं भी कोई चीज बाहर निकली भैया वहां पे कुछ टांगो। है ना, जहां भी कुछ चीज बाहर निकली भैया दी के वहां पे कुछ टांग जाए। घर में भी सब ऐसे ही हो गए, अब सब लोग सफाई करते रहे, पर जहाँ कुछ बाहर निकले दिखे, और अपने मैंने कबाट को हैंडल होए तो कोई वहाँ में कुछ फंसा जाएगो, वो हुक होए तो हुक में कोई टांग देगो, अपने कपड़ा नहीं तो शर्ट टांग देगो, प्रॉपर जगह पे प्लेसमेंट करनो बहुत मुश्किल है। जहाँ भी कुछ उभरे हुए निकले टांगो। तो ये क्या है कि जो कॉन्शियस है वाकू ये प्रॉब्लम ऑलवेज आवे, कि वाकू कुछ कुछ अपनो सब जो है वो कहीं कहीं टांगनो हुए है, वो टांगनो हुए है वाकू वा के लिए, वा में काम पैदा हुए, वो खोजते ही रहें। आयो ना ख्याल में? वो खोजते रहें, खूंटी नहीं खोजे हो आदमी को, आदमी खूंटी खोजते रहे। डिफरेंस समझो,
खूंटी कभी आदमी को नहीं खोजे कि मेरे पे कुछ टांगो। आदमी ऑलवेज खूंटी खोज तो रहे, रेल में जावे तो खूंटी खोजे, कार में देखे तो खूंटी खोजे, हर जगह अपन कुछ कुछ खूंटी खोजते ही रहे, कहीं भी कुछ खूंटी दिखी कि टांग कुछ न कुछ। क्यों? बर्डन अपने को अपनों कम करना है। वी फील बर्डन, हर चीज को कैरी करने में अपने को कुछ बर्डन हो रहे है, वो बर्डन को अपन ऐसो लाइट करना चाहे तो अपन ऐसी सब खूंटियाँ खोजते रहें। तो जो बींग है वाकू अपन एज ए अपनो बर्डन कम करने के लिए ऑलवेज खूंटी तरीके वापरे हैं, वहाँ में काम पैदा हुए है। खूंटी नहीं होए तो खूंटी को अपन परचेस भी करके ठुकवा दें। अभी देखो अक्सर अपन बाहर गाम जावे ना, अपनी रिक्वायरमेंट क्या हुए, नहा धो के टुवाल का सुखानो, अब अपन खोजते हैं खूंटी लाओ खूंटी लाओ खूंटी लाओ, खूंटी नहीं मिले, कबाट को हैंडल है, कोई चीज को, जहाँ कुछ मिले वहाँ पे टांग सुखा हुए ना, तुमने भी फील की होगी ट्रैवल में ऐसे, तो हर वक्त ये प्रॉब्लम हुए अपने को। तो वो अपनी रिक्वायरमेंट है, वो क्रिएशन क्योंकि या तरह सु भयो है, और वह क्रिएशन में अपन या तरह सु काम पैदा हुए, अर्थ पैदा हुए, पर धर्म पाछो ऑर्गेनाइज कैसे करे वाकू कि तुम ऐसो मत करो, ऐसा मत करो, तुम अपनी जो डिज़ायर है वाकू फुलफिल करो डेफिनेटली, पर या तरह से पूरी मत करो कि जहाँ में कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाए, या तरह से पूरी करो कि तुम्हारी डिज़ायर भी पूरी होवे और वो चीज़ डिस्ट्रॉय भी नहीं होवे। तो वो ड्यूटी बाउंड अपने को धर्म आवे, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंगली भयो है एज पर क्रिएशन, जो अपन ने क्रिएट कियो वही कोई तो ऑर्गेनाइज करेंगे ना, जो क्रिएट नहीं कियो वाकू तो अपन ऑर्गेनाइज नहीं कर सकें। तो क्रिएशन जो है वो एज पर मटेरियल कॉज है, हाँ माने जैसी रुई ऐसो थ्रेड बनेगो, ख्याल में आयो, जैसो थ्रेड बनियो वाकू ऑर्गेनाइजेशन, थ्रेड को ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये थ्रेड को ऑर्गेनाइजेशन है, ताना बाना जाकू के, तो ताना बाना के हिसाब से कपड़ा थ्रेड को ऑर्गेनाइजेशन है, एक थ्रेड को दूसरे थ्रेड से ताना बाना में कर दो तो वो थ्रेड थ्रेड नहीं रह के कपड़ा जैसा बन जाए, तो वो धर्म अर्थ काम मोक्ष को वहाँ में पूरा फुलफिलमेंट अपना हुए। ऑर्गेनाइजेशन एज पर क्रिएशन है, क्रिएशन एज पर मटीरियल कॉज है, ऑर्गेनाइजेशन एज पर क्रिएशन है, और जो एज पर ऑर्गेनाइजेशन है वाके हिसाब से फिर प्लेसमेंट जो है वो एज पर ऑर्गेनाइजेशन है, और जो स्थान आयो ना ख्याल में, प्लेसमेंट जो है वो फिर वाके हिसाब से होगो, फिर वाको अपन जब अपन ने आपको प्लेसमेंट कर दियो तब फिर अपन वहाँ में कोई को सपोर्ट करें कोई को असिस्ट करें, वो सब पोषण है, और असिस्ट करने के बाद फिर वहाँ में एक वर्क कल्चर आपको पैदा हुआ है, वो उती है, वो एज पर असिस्ट करने के, वो मैंने कल आपको कारानी को उदाहरण बता के समझाया कि कारानी कैसे असिस्ट करते तो स्टूडेंट को, तो वो एक वहाँ के स्टूडेंट में वो कल्चर पैदा भई। मुख नहीं लगे कि कारानी के स्टूडेंट को कोई को भी स्टूडेंट कोई पूछे प्रश्न तो गुस्सा आवे, क्यों? एक पढ़ने की कल्चर पैदा भई ना। अब जैसे एक टीचर होते मेरे ही, तो उनको उनको उनके गुरुजी ने ऐसे ही पढ़ाया तो कि सब पढ़ लो, सवाल कुछ नहीं करना, तो मैं जब भी कुछ सवाल करता ना तो ऐसे हाथ हिलने शुरू करते, क्या क्या पूछा क्या पूछा क्या क्या फिर से बोलो फिर से बोलो, तीसरी बार में फट मार देते वो कल्चर वो वर्क कल्चर पढ़ाने की वह ढंग की होती मैंने अपन ने सवाल किए और उनको यहाँ हाथ, क्या क्या पूछ रहे हो क्या क्या दो वक्त पूछे भाई, अपन को लगे प्रश्न को समझ नहीं आ रहा है या लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, तीसरी वक्त प्रश्न पूछे पट लग जाते, फिर अपन समझ जाते कि हैं पूछना नहीं पढ़ाने की कल्चर ही वह ढंग की है। अब जो कारानिक से पढ़े होएगो वहाँ में वो पढ़ाने की कल्चर नहीं पैदा हो सकेगी ना, क्या पूछा नहीं होएगो, क्यों नहीं होएगो, क्योंकि वो पढ़े नहीं है वह ढंग से। अब जो उनसे ही पढ़े होएगो वाकू कोई ने भी सवाल किया तो वाकू बोलेगा क्या 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 पूछ क्या रहे हो क्या पूछ रहे हो, ऐसे हो ही जाए कि नहीं,
नेचुरल कोर्स में, वो वर्क कल्चर डेवलप हो गए कर्म वासना के तरह, जा तरह से अपन पढ़े हैं वह तरीके की वासना अपने भीतर पैदा हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो वो जो उती है वो एस पर जा तरह से तुमको प्रमोट किया गया है, जा तरह से तुमको असिस्ट किया गया है। मेरे बहुत परिचित थे, बहुत मज़ेदार बात बताऊं तो उनके साथ बैठे रहते हो, अचानक हल्ला मच दो, प्रदीप। अब वो प्रदीप उनको छोड़ा, वो आके खड़े हो जाते, खड़े हैं बैठे हुए हैं, लिख रहे हैं लिख रहे हैं। अब ये लिखे तो कभी तो पूछेगा कि नहीं, तो कहते तो बापूजी केम, अरे सु बापूजी केम, पानी नो क्लास ला आटला गुस्सा ये कोई सर्वज्ञ छे, अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस है वाकी के, तुमको वर्क टेबल पे काम कर रहे हो और वह वक्त पानी के ग्लास की तुमको जरूरत है, वाकू कैसे समझ पड़ेगी। तो एक दिन मैंने उनको ऐसे ही कहा, उनके आपको ये काम करने में बहुत टेंशन है, बोले कोई टेंशन नहीं थी, काम करवानी मेथड जाचे ये मेथड में कुछ वर्क कल्चर हुआ ढंग का हमारे मजेदार बात बताओ दादाजी ने एक मोबाइल डिस्पेंसरी चलाई, मोबाइल डिस्पेंसरी चलाई तो दाई जी के जाने के बाद मेरी भी मन में बड़ी भावना भाई के वाकू चलानी चाहिए, चलानी चाहिए। तो हम भी यहाँ वा वक़्त इतना डेवलप बम्बई नहीं भे होते, तो 100 मील के रेडियस में मोबाइल डिस्पेंसरी लेके दवाई बांटने घूमते, सब जगह दवाई बांटने घूमते। एक दिन क्या भयो के जब हम लोग चले अपने जगह से, तब तो हमारे मोबाइल वो जो मोबाइल डिस्पेंसरी थी वहाँ में एक डॉक्टर, एक सिस्टर माने कंपाउंडर, एक क्लीनर गाड़ी को, एक मैं और एक वो और ड्राइवर, इतने जने हम होते और दवाई होती सब। तो वो क्लीनर ने कही कि सेठ आजे माटलू फूटेलू छे, 11th hour में माटलू फूटेलू केम के छे, फूटेला माटला में पानी लेने जाओ फूटेला माटला में पानी लेने गया, थाना सुधी पहुँचा है, माटलू खाली थी गयो पानी सब रिस गयो। अचानक फिर वहाँ हमने सब 1:30-2 बजे जब सबको प्यास लगी तो पानी नहीं है, तो वहाँ गांवन में पानी पीने में भी डर लगतो, तो वो आइस बॉक्स लाते खुद को, वहाँ में से पानी वानी पी लियो। तो फिर मेरे मैं भी अपना थर्म मैं खा तो नहीं, तो क्योंकि मुझको वो कंफर्टेबल नहीं लगतो तो वहाँ खाना, तो मेरा जल मैं अक्सर पीतो भी नहीं, तो वो चले गए। तब वो सिस्टर और सब बेचारे परेशान रहते कि प्यास बहुत लग रही है, तुम इनकी एक काम करो मेरे थर्मोस में से जल पी लो। सब ने जल पी लियो, सिस्टर बाकी रह गई बेचारी, वो पिला रही थी, वो खुद पीवे जाए तब तक वो भाई आ गए, आते ही फायरिंग, सु समझी ने मारा श्रीनाथ थर्मोस माथी पानी लीधो। अरे भाई महाराष्ट्र एने नहीं पानी लीधु, मैं आप સુસમજીને આપ્યું, મેં કહું મારા બાપની મોબાઈલ, મારું થર્મોસ, મારું પાણી, એમાં સમજવાની ક્યાં જરૂરત આવી? વાત સમજવાય ને, વર્ક કલ્ચર આ એસે કહે દી મેને, તો બહુત ઓફેન્ડિંગ લગ ગયો, તો ઉને સબ ટ્રસ્ટીન કુ જા કે કહે દી કે આજે શ્યામ બાવાએ બધાની વચ્ચે મારો ઇન્સલ્ટ કરી દીધો, હવે કાલથી હું કામ કરવા નહીં આવું। સબ ટ્રસ્ટી મૂકું સમજા નહીં આવે કે એક તો માણસ મળે નહીં આટલો કામ કરે, પાછું તમે એનું બધાની વચ્ચે ઇન્સલ્ટ કરો તો કેવી રીતે મારા દાદાજીની ઈચ્છા પૂરી થશે? મેં કહું ભાઈ પણ મારી દાદાજીની ઈચ્છા પૂરી કરવામાં હું ક્યાં વાંધો પડે છે? મેં મારા થર્મોસનું પાણી આપ્યો, આમાં આટલા ગુસ્સા થવાની જરૂરત શું? એકચ્યુઅલી વાક્ય બી મન મેં દુર્ભાવ નહીં હતો, વાત સમજો, આખો વર્ક કલ્ચર હી હસો, તો વો અપને બેટા સુ ભી એસે હી બોલતો હતો। તો ફિર મેં સમજ ગયો કે આખો બુરા લગાનો બુરી વાત હૈ, ક્યોંકિ મેં અક્સર એક વાત કહું કે કૌવા ઓર કવિ પ્રેમ કરેંગે તો ભી કામ કામ હી કરેંગે ન, ઓર કોયલ ઝઘડા કરેગી તો ભી કુહુ કુહુ તો કરેગી ન, વો ઝઘડેગી તો ભી કુહુ કુહુ કરકે ઝઘડેગી, કૌવા કવિ પ્રેમ કરેંગે તો ભી ક્રાઉ 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 હી તો કરેંગે। वर्क कल्चर है, साउंड कल्चर है, वॉइस कल्चर है, उनकी जैसी है वैसे ही तो वो बोलेंगे ना, वहाँ में बुरा नहीं लगाना चाहिए। बात समझे नहीं? उतय कर्म वासना, क्योंकि दैट इज हाउ वो इमिनेंट है सब जगह, विद द वेराइटीज ऑफ कल्चर वो वहाँ में जगत में इमिनेंट भयो है।
यहाँ तक वाके इमेनेंस को अपन ने प्रकार देखो, जैसे अपन ने वैरायटी वहाँ में पैदा भई, वाके बाद पांच जो हैं, नेक्स्ट जो फाइव हैं मने मन्वंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। तो मन्वंतर जो है वो ये वर्क कल्चर में से कुछ जो है वो गुड कल्चर हैं, कुछ जो हैं वो बेटर कल्चर हैं, कुछ बेस्ट कल्चर पैदा हुए, कुछ बैड कल्चर पैदा हुए, कुछ वर्स कल्चर पैदा हुए, कुछ वर्स कल्चर भी पैदा हुए ना वर्क की, एज पर वैरायटी। वो वैरायटी के कारण जिनमें सदाचार पैदा हुए है, कर्म वासना में सदाचार पैदा हुए है, वाकू जो है वो एज पर ऊती जो है वो सदाचार पैदा हुएगो तो वाकू मन्वंतर कहो जाए। और सदाचार का मतलब क्या कि तुम्हारे पास, अब देखो एक बात ध्यान से समझो, तुम्हारे पास ध्यान जब कर्म वासना तो है, अलग अलग कर्म करने की वर्क कल्चर अपने पास है, वो वर्क कल्चर में कुछ जो अच्छी कल्चर है वो रिजल्ट अच्छा देवेंगी ना, अच्छी कल्चर अच्छा रिजल्ट देगी। मेरे पास अभी मोबाइल में है, मैं दिखाऊंगा। अक्सर अभी आज ही मैंने एक बड़ी मजेदार स्टोरी सुनी, बहुत इंटरेस्टिंग। थाना में एक साड़ी चोरने वालों चोर पकड़ा गयो, चोर पकड़ा गयो तो पुलिस ने वाके यहाँ रेड डाली, तो वहाँ 10-15 लाख की साड़ी को चोरी करी ये पता चली। इतनी चोरी वाने महापुरुष होएगो ना, इतनी चोरी करने वालों साधारण व्यक्ति तो कर नहीं सके। तो जब वाकु चोरी करी तब उनने सब रेड वेड डाली, तब फिर उनको पता चलो करे तो महाचोर है। फिर उनने इंक्वायरी करी कि चोर को माल बेचो कहाँ, तो वो इतना महाचोर होते कि सारे पुलिस क्वार्टर में उनकी वाइफन को बेचिया तो पुलिस उनकी जा वक़्त वाको इंटरोगेशन चल रहे तो पुलिस कस्टडी में वा वक़्त वो कमिश्नर की वाइफ ने आके वहाँ से पूछी कि क्यों आज ऐसे ही खाली आता है, कहीं साड़ी वाड़ी लेकर नहीं आए वो पुलिस ने क्या किया, वाकू विदा कर दिया, भैया पे FIR या कीमत बनाओ भेजाओ या कोई, क्योंकि ये पकड़ाएगा तो अपन सब पकड़ाएंगे, क्योंकि वो सब पुलिस क्वार्टर में ही बेचिया तो चोरों वे माल अब देखो कैसी वर्क कल्चर आखी पैदा भाई, आई समझ में? तो कुछ सदाचार पैदा हुए कुछ वहाँ में जो है वो भक्ति पैदा हुए, और भक्ति में फिर निरोध पैदा हुआ है। निरोध का मतलब अपन देखो बहुत अपने को कंफ्यूजन हो रहा है, पर निरोध का मतलब क्या है कि अपन ने भक्ति कर रहे हैं पर भक्ति अपन सिंसियर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, विथ अवर टोटल इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं कि नहीं। तो अपन टोटल इन्वॉल्वमेंट के साथ भक्ति कर रहे हैं तो वो भक्ति निरोध जो है वो भक्ति कॉरोलरी में आती हुई बात है, और बिना टोटल इन्वॉल्वमेंट के भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति तो कर ही रहे हैं पर अपना इन्वॉल्वमेंट वहाँ में सच्चा नहीं है। तो वाके कारण वो इन्वॉल्वमेंट कैसे होनो वाको डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए भगवान अपनो मेकअप धारण करके अपने बीच में आवे कि अपने को बतावे कि सच्चे इन्वॉल्वमेंट के साथ भक्ति कैसे करनी। तो वो भक्त के प्रति जब इतनो डिवोटेड हो जाए भगवान तब अपने को भी वो वर्क कल्चर पैदा हुए, अच्छा तो अपने को भी वाक्य प्रति इतना डिवोटेड होना चाहिए, बात समझ में आई? और वो जब अपना हो जाए तब फिर मुक्ति होवे, जो मैंने कल बताया तो कि ग्रीन रूम में जानो पर हैंगओवर लेके जानो, हैंगओवर छोड़ के नहीं जानो। और फिर जब अपन ने मेकअप उतार दियो तो वो आश्रय है, फिर सु अपन कैरेक्टर के बजाय एक्टर बन रहे हैं। या सारी बात को मैं आज आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ये बात मैंने रिपीट करके पाछी क्यों कही वाको समझो कि कल मैंने आपको सिंपलेस्ट टर्म में बात समझाई, आज अब मैं वाको टेक्निकल टर्म में समझा रहा हूँ, थोड़ी डिफिकल्टी आपको आएगी सबको पर बेयर इट विथ मी। महाप्रभु जी नहीं बल्कि भागवत एक बात समझावे है कि स्वर्ग क्या है, तो वहां में ये बतायो है कि ये बीइंग
कॉन्शियस अनलिमिटेड, ये बॉडी लेस है। और वाको बॉडी एक्वायर करना क्रिएशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बॉडी एक्वायर करे। बॉडी कहां से एक्वायर करे, कैसे एक्वायर करे, बात समझ में? देखो, स्नेल जानो, स्नेल के भीतर जो जानवर हुए ना, स्नेल की बॉडी अलग नेचर की हुए। स्नेल देखे हो तुमने कि नहीं देखे हो? तो वो जो स्नेल जो हुए ना, उनके भीतर वो स्नेल को जानवर हुए और स्नेल वाकी बॉडी हुए। अब वो बॉडी बाहर से नहीं एक्वायर करे, घुस के नहीं एक्वायर करे, वो बॉडी वहाँ में डेवलप हुए। जब बॉडी वहाँ में डेवलप हुए, जब जन्मे तब वो बॉडी नहीं हुए, जन्म जाए वहाँ के बाद धीरे से वहाँ में वो बॉडी डेवलप हुए। एक आउटर लेयर ऐसी मजबूत डेवलप हुए कि मच्छी वाकू खा नहीं सके स्नेल को। मच्छी के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये जो सीप हुआ है ना, सीप वो भी यूँ बंद रहे, देखो समुद्र में वो अपना खाना खाने के लिए मुंह खोले और फिर बंद हो जाए। तो यहाँ मच्छी दांत मारे तो मच्छी के हाथ में कुछ नहीं आवे, कछुआ के पीठ के जैसी हुए। अंदर वाके जानवर इतनो नाजुक हुए कि अपन वाको हाथ से भी दबा के मार सकें स्नेल के भीतर। तो वो बॉडी एक्वायर करे, ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रह्म विद इन इट्सेल्फ बॉडी एक्वायर करे है। अशरीरस्य लिख लो, अशरीरस्य विष्णु शरीर स्वीकारो सर्ग, इन ए फैशन ऑफ स्नेल। वो अशरीर है, बॉडी लेस है, पर वो बॉडी जा वक्त स्वीकार करे, वो बॉडी जब अपने भीतर से डेवलप करे, तब वो जो है वो सर्ग कहवावे। अशरीरस्य अशरीरस्य, अरे इंग्लिश में लिख, गुजराती में, हिंदी में जो कुछ लिख, अशरीरस्य विष्णु विष्णु शरीर स्वीकार सर्ग। ये वाकई टेक्निकल परिभाषा है सर्ग की। कल मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश करी, सर्ग मैंने क्रिएशन, पर नाउ अंडरस्टैंड इन टेक्निकल सेंस कि अशरीर को जो बॉडी लेस है वाको अपने में कोई एक बॉडी को डेवलप करनो, एक जो होमोजीनियस है फिनोमिना, वो होमोजीनियस फिनोमिना को होमोजीनियस नहीं रह के ऐसी एक आउटर लेयर अपने में डेवलप करनी जा लेयर के कारण वो और इंटरनल और एक्सटर्नल को डिफरेंस जहाँ जनरेट हुआ। आया ख्याल में? तुमने बर्ड्स के अंडा में से निकलते कभी चूजाएं देखे? उनके पंख नहीं हुए, खाली पंख जैसा निशान हुए और रुआ भी नहीं हुए, रुआ के खाली निशान हुए, उनमें से धीरे से वो आंखों रुआ पैदा हुए। अपन शरीर को मतलब एक समझे हैं, शरीर को मतलब ध्यान से समझो, ये जो स्पेसक्राफ्ट में जितने भी एस्ट्रोनॉट जावे हैं वो जो स्पेस सूट पहरे हैं, इट इज ऑलमोस्ट लाइक ए बॉडी। वो बॉडी वहाँ है तो वो सर्वाइव करेंगे, वो बॉडी वहाँ नहीं है आउटर स्पेस में, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट बॉडी। जैसे अपनी आत्मा बॉडी के बिना सर्वाइव नहीं करे, ऐसे कोई भी एस्ट्रोनॉट ऐसा स्पेस सूट के बिना सर्वाइव नहीं करे। तो अब एक बात ध्यान से समझो कि हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन बॉडी एंड द इंस्ट्रूमेंट। How do we differentiate? There are some instruments. We use it something as an instrument, and sometime something some instrument we use as our body. So how we differentiate? Dhyan se samjho. Jaise astronaut jo hai, wo aankhon ko space suit pehre, wo almost waki बॉडी हो जाए, क्योंकि वो हर चीज की वहां केयर ले रहे हो, वाकी
एक्शन की कोई एक्शन हैम्पर नहीं हो व्यवहार के कारण। अच्छा देखो, मुझको अभी याद आया, अवतार देखे होगे तो तुम अच्छी तरह से समझ जाओगे। वो जो अमेरिकन है उनकी एक मैकेनिकल बॉडी में वो जाके बैठे हैं, वहाँ के हाथ है, पैर है, माथा है, वहाँ में वो सुन सके, देख सके, सब कर सके। नाउ वो जो वो आँखों एक मनुष्याकार जो एक दैत्य बनाया है उनने, वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो उनकी बॉडी है। आया ख्याल में? और जब अपन जैसे कोई समुद्र में अपन स्कूबा ड्राइविंग करने जा रहे हैं, तो यहाँ अपन एक वो सिलेंडर लेके जाएं, तो वो बॉडी नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट है। वी आर यूजिंग इट एज एन इंस्ट्रूमेंट। पैर में भी वो तैरने के वो लंबे लंबे वो बनावे, तो वो बॉडी नहीं है अपनी। दो वी यूज इट इन अवर फुट, पर इट्स नॉट बॉडी। जैसे जूता जो है वह को अपन अपनी बॉडी नहीं कहेंगे। ऑलमोस्ट जूता में अपन पैर वही फैशन सू डालें जहाँ फैशन सू देह में आत्मा घुसे। कोई दूसरे फैशन सू घुसे जूता में पैर अपना, आत्मा जैसे बॉडी में घुसे वही तरह से वो जूता में पैर घुसे। पर वाकू अपन बॉडी क्यों नहीं कहें? क्योंकि एक बात ध्यान से समझो कि अपने पैर के जो फंक्शन हैं वो सारे फंक्शन के साथ वो कोरिलेट नहीं कर रहे हो है। कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी है अपना पैर के हर्ट नहीं होने की, वाकई लिए अपन जूता पहरे हैं। पर समझो कि वहाँ में सब उंगली होवे, अंगूठा होवे, एड़ी होवे, जैसे जूता में बना हुए, और वो सारी मूवमेंट जो पैर कर सके है, वो सारी मूवमेंट वहाँ में अपन पैदा कर सकते हो, इट विल सीज़ टू बी इंस्ट्रूमेंट बट इट विल स्टार्ट एक्टिंग एज ए बॉडी। आया ख्याल में? तो जैसे स्पेसक्राफ्ट को जो स्पेस सूट है वो अपनी बॉडी है, ख्याल में? और इंस्ट्रूमेंट एक अलग चीज है। तो बॉडी को एक जनरल मतलब ये है कि जहां में रहने के बाद अपन को जो कुछ मल्टीप्लिसिटी अपने में है, पोटेंशियलिटी अपने में है काम करने की, जैसे अपन बोल सके हैं, देख सके हैं, पकड़ सके हैं, दौड़ सके हैं, वो सब अपने को फैसिलिटेट करती हो कोई चीज, और अपन वाके भीतर रह के करते हो तो वो बॉडी हो जाएगी, और वाकु बाहर रख के करते हो तो वो इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। अच्छा अब मुझको बताओ कि ट्रेन जो है वो बॉडी है? अपने को दिल्ली जाना हो तो ट्रेन बॉडी है कि इंस्ट्रूमेंट है? अच्छा क्यों? हाँ इंस्ट्रूमेंट वाली है क्योंकि वो यूज आ गया अपने को, वो अपने को प्रोटेक्ट नहीं करे, जैसे स्पेस स्पेस सूट जो है वो अपने को प्रोटेक्ट करे, अपनी बॉडी बन जाए, वहाँ पर फंक्शन वो हो जाए, पर ये सिर्फ यूज हो गया, यहाँ से वहाँ जाने में एक मीडियम है। मीडियम है, फाइन। जैसे साइकिल एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कार एक इंस्ट्रूमेंट है, पर कार वो सारे फंक्शन करने लग जाए, अभी आजकल डिजिटल ऑफ कार ऐसी अब बननी शुरू हुई है कि तुमको ड्राइव करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बैठे रहो, इच्छा करो कि लेफ्ट में जाओ तो लेफ्ट में जाए, राइट में जाओ राइट में जाए, स्लो हो जाओ स्लो हो जाए, फास्ट दौड़ो तो फास्ट दौड़े। अब वो सारे फंक्शन जब तुम्हारे करने लग जाए और वो फंक्शन को करने वाली कार में जा वक्त तुम बैठ जाओगे, कोई भी बाहर वालों आदमी आके ऐसे ही समझेगो कि कार तुम्हारी बॉडी है और तुम वाकई सोल हो। आया ना ख्याल में? बॉडी और सोल को जो रिलेशन है, और एजेंट और इंस्ट्रूमेंट को जो रिलेशन है, वहाँ में थिन डिफरेंस है इतना ही कि जब तुम वाकू टोटली अपनो आउटर लेयर बना के वहाँ पर रहे हो और वहाँ में अपने फंक्शन तुम्हारे हैम्पर नहीं हो रहे हैं तो वो बॉडी बन जाए, और जब वाकू अपना टोटली अपन एक्वायर नहीं कर रहे हैं, वाके भीतर अपन नहीं हैं, या तो ऊपर हैं या अपन वहाँ के बाहर हैं या नीचे हैं, ऐसे सब जो वापर रहे हैं, तो वो अपनी बॉडी नहीं होके वो अपने इंस्ट्रूमेंट हैं। ब्रह्म ने क्या कियो कि एक ऐसो मटेरियल पैदा कियो अपने भीतर बाय द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन, माने जो अपनी अनलिमिटेडनेस हती, अनलिमिटेडनेस में वह तरीके की लिमिट पैदा करी,
वो लिमिट पैदा करने, अनलिमिटेडनेस की टेक्निकल टर्म है, देखो लिख लो, अनलिमिटेड की टेक्निकल टर्म है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्यम। कर्तुम टू डू, अकर्तुम टू अनडू, और अन्यथा कर्तुम टू डू अदरवाइज। ये तीनों पोटेंशियलिटी जो हैं वो अनलिमिटेड पोटेंशियलिटी के इंडिकेशन है। अपने में देखो कोई चीज में कर्तुम सामर्थ्य हुए, जैसे समझो कि माइक की अपने साउंड को कैच करने की सामर्थ्य है, पर साउंड को लाउड करने की सामर्थ्य माइक की नहीं है, स्पीकर की है। स्पीकर की साउंड को बाहर प्रोड्यूस करने की सामर्थ्य है, पर कैच करने की सामर्थ्य नहीं है। स्पीकर के सामने अपन जाके बोले तो वो कैच करेगा, तो हमें कर्तुम सामर्थ्य है पर वो सामर्थ्य नहीं है। तो जहाँ में करने की सामर्थ्य हो टू डू टू अनडू एंड टू डू अदरवाइज, तीनों सामर्थ्य हो तो वो अनलिमिटेड सामर्थ्य है वहाँ में। जब एक सामर्थ्य है टू डू है, माने पढ़ने की सामर्थ्य है, तो पढ़ने की सामर्थ्य, वो पढ़ने की सामर्थ्य टेप रिकॉर्डर में भी है ना। पुस्तक तुम पढ़ो, तुम याद करो कि टेप रिकॉर्डर में भर दो, वहां में सामर्थ्य है। वहां को अंडू सामर्थ्य नहीं है। अभी अपन देखो यहां पाठ कर रहे थे ना, ये पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम को, यहां में एक बड़ा अच्छा नाम आयो तो देखो, बहुत अच्छा नाम आया तो नष्ट धर्म मनुष्यादि लक्षण ज्ञापन उत्सुक। हमारे यहाँ एक भाई रहते थे, उनको इंसोम्निया तो, इंसोम्निया समझो नींद नहीं आवे, तो वो क्या करते हैं, उनको पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम रोज पाठ करने के बाद भोजन करने को गोपीनाथ जी के जैसा नियम है, तो और इंसोम्निया और तो उनको, तो उनकी एक प्रॉब्लम होती कि रात को सोते नहीं और दिन भर उनको नींद आती। तो ठाकुर जी के दर्शन करते हैं ना ऐसे, नष्ट धर्म मनुष्य आदि हर वक्त उनको चिढ़ाते हो कि भाई भगवान भी घबरा जाएंगे, ऐसे नष्ट धर्म करके सो जाओगे तुम वो क्या करे, उनको इंसोम्निया तो उनको प्रॉब्लम होती, जेन्युइन प्रॉब्लम होती, तो पाठ करते करते फिर भूल जाते वो नष्ट धर्म याद आते, फिर उनको याद नहीं आता कहाँ से छूट गया, फिर पाचा पहले से स्टार्ट करते। तो ये क्या है, अकर्तुम सामर्थ्य, कर्तुम सामर्थ्य वहाँ नहीं होती उनकी। तो कोई में कर्तुम सामर्थ्य हुए, कोई में अकर्तुम सामर्थ्य हुए। अनलिमिटेड सामर्थ्य का मतलब क्या, टू डू टू अनडू एंड टू डू अदरवाइज, आयो ख्याल में। तो जब ये तीनों सामर्थ्य हैं तब वाको अनलिमिटेड सामर्थ्य कही जाए। तो वो ब्रह्म में अनलिमिटेड सामर्थ्य है, वह अनलिमिटेड सामर्थ्य के कारण वहाँ ने कई जो है वो शरीर अपने प्रकट किए। जब कई बॉडी वहाँ ने एक्सेप्ट करी तो अपरु अशरीरस्य विष्णु शरीर स्वीकारो स्वर्ग, ये जब बतायो ना तो वो बॉडी वह तरह से एक्सेप्ट करे है। वह के बाद फिर क्या कहें, एक इंटरेस्टिंग ये फिनोमिना है, शरीरिणा शरीरी जो है जब वो शरीरी बन जाए, वाके बाद विसर्ग में क्या हुआ, मैंने बताया आपको कि धर्म अर्थ काम मोक्ष को जो क्रिएटेड वस्तु है वाको ऑर्गेनाइजेशन करे है। तो जब ऑर्गेनाइज करे है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष के तहत जब वाको ऑर्गेनाइज करे है तो उनके सबके देवताएं भी पैदा करे, जैसे ब्रह्मा जी पैदा किए, शिव जी पैदा किए, विष्णु पैदा भय
और सब देव पैदा भए, इंद्र वगैरह सब, वो क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको ऑर्गेनाइज करना है ना, तो देव पैदा भए। देव पैदा होने का मतलब कि जो उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो ऑर्गेनाइज किया है, वह ऑर्गेनाइजेशन के जो भी डिपार्टमेंट हैं उनके हेड, उनके हेड को पैदा करे, वो भी पार्ट ऑफ द विसर्ग कहवावे। आयो ख्याल में? वाके बाद जो पैदा भए हैं उनके ये ऑर्गेनाइजेशन या तरह से कियो है, वाके लिए उत्पन्न जो हो गए उनको मर्यादा में पालन करना जो है वो स्थान कहो, प्लेसमेंट कहो, उनको सबकी मर्यादा हो गई। मर्यादा मतलब क्या, देखो ध्यान से समझो कि जैसे अपन ने शहर बसायो, शहर बसायो, शहर बसाने के बाद क्या हुआ है, कोई एरिया स्कूल के लिए अलॉट हो जाए, कोई प्लॉट, कोई प्लॉट जो है वो हॉस्पिटल के लिए अलॉट हो जाए, कोई गार्डन के लिए अलॉट हो जाए, कोई रेजिडेंशियल क्वार्टर के लिए अलॉट हुए, कोई कमर्शियल क्वार्टर के लिए, ये जो अलॉटमेंट हुआ है प्लॉट को, जब अपन एक आखो टाउन प्लानिंग करते हुए, तो वो मर्यादा वह हिसाब से करनो, वो सब सर्ग के बाद विसर्ग के बाद स्थान कहवावे, वो अलॉटमेंट जो है प्लॉट को। जैसे अभी देखियो गो के झगड़ा चलते ही रहे, कोई ठिकाने वो कह दें कि यहाँ गार्डन बनेगो, गार्डन के बजाय कोई आके कुछ और भलती चीज़ बना जाए वहाँ, फिर झगड़ा शुरू हो जाए कि ये प्लानिंग में ये चीज़ यहाँ नहीं आती, यहाँ कुछ और आती, यहाँ स्कूल बनने वाली थी, ये दुकान कैसे बन गई। अभी तुमने पढ़े होगा, बड़ी मज़ेदार एक न्यूज़ आई थी कि बिल्डरन को यूँ कही गई कि तुमको FSI तब मिलेगी कि जब तुम ऐसे झोंपड़ पट्टी डेवलप करो, तो बम्बई को सेक्रेटेरिएट को उनने झोपड़पट्टी एरिया में दिखा दियो कि यहाँ हम डेवलपमेंट करेंगे। आखो सेक्रेटेरिएट झोपड़पट्टी है, नरीमान पॉइंट पर सेक्रेटेरिएट कुछ झोपड़पट्टी में गिना के FSI ले ली कि हाँ यहाँ डेवलप करेंगे। बाद में पोल खोली कि तो ये तो झोपड़पट्टी का तो नहीं, ये तो सेक्रेटेरिएट को एरिया है। तो वह अक्सर जो अलॉटमेंट हो रहे है वह अलॉटमेंट के हिसाब से वहाँ को पालन करना, वाको नाम स्थान है। ख्याल में? या को अपन मल्टीपल वे में समझ सके, जैसे ट्रेन चालू करी तो हमें कोई 3 टायर है, कोई 2 टायर है, कोई कुछ है, तो वाह हिसाब सु वा में जाको 2 टायर की टिकट होए वाको 2 टायर में बैठने देनो, 3 टायर की टिकट होए वाको 3 टायर में बैठने देनो, वह हिसाब से वहाँ को पालन करे तो वो स्थान कहवाया, और नहीं तो क्या कहवा वह अस्थान। जैसे हम यू बनारस गए तो हमने देखो जैसे ही ट्रेन बनारस इलाहाबाद से आगे छूटी, हर स्टेशन पे कुछ लड़काएं चढ़ जाएं, नहीं चढ़ो तो खटखटावे, दरवाजा तोड़ने के लिए आमादा रहे, अपन बैठे हुए हैं अपनी सीट पे, अपने को कहें हटो हमको भी बैठना है, अरे भाई हमने रिजर्व किया, तो बोले रिजर्व किया तो हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हमको रोज़ जाने का है। तो TC को बोला कि भाई ये हमने सीट रिजर्व कराई, तो वहाँ ने TC ने हमको समझाया कि तुमको तो आज जाना है, हमको 360 दिन जाना है, हम कौन झगड़ा करेंगे, बैठने दो स्टूडेंट को। अब वो स्टूडेंट पास स्टेशन पर भी नहीं उतरे हों, उनको गाँव में झोंपड़ी पट्टी आई ना, चेन पुलिंग करें, बस हमारा घर आया ना, स्टेशन तक कौन जाए, वहाँ उतर के चले जाएं। तो ये अमर्यादा सुपालन, और जो मर्यादा बनाई गई है वह तरह सुपालन करनो, वह को नाम स्थान है। स्थान को समझे ना, अब जहाँ स्टेशन पे रुकेगी वहाँ रुके तो स्थान है, और जब इच्छा हो गई तब स्टेशन पे रोक ली, अपने घर आ गए तो चलो रोको, फिर उतर जाए, फिर गाड़ी चले। तो जो 2 घंटा में पहुँचने वाली ट्रेन हो वो 5, 4, 6 घंटा में कभी कभी पहुंचती हो गए, क्योंकि हर स्टूडेंट की फ्रीडम है वहाँ, तो वो अस्थान हो गया। बात समझ में आई ना? स्थान का मतलब क्या कि जो चीज़ जहाँ जा तरह से रखी गई है वहाँ तरह से वहाँ को पालन होना को मतलब स्थान। तो वो स्थान एज पर ऑर्गेनाइजेशन होएगो, ये बात समझो। और जब वह स्थान पर तुमको तुम प्लेस हो गए, वह वक़्त तुमको प्रोटेक्ट कर लो, वाको नाम पोषण है। अब वो अपन TC को कहें कि हमारी रिजर्व सीट है, प्रोटेक्ट करो, तो TC क्या कहे,
कि तुमको तो आज जानना है, हमको 360 दिन जानना है, तो हम काहे को झगड़ा कर रहे हैं इनसे। तुम झगड़ा करो तो अपन कहाँ झगड़ा करवे जाए, तो वहाँ पोषण भी नहीं है। बात समझ में आई ना? तो पोषण होनो स्थान के हिसाब से नेक्स्ट कॉरोलरी में आती बात है। और जब पोषण आ गए हो तब आखो एक वर्क कल्चर पैदा होएगो, वर्क कल्चर पैदा होएगो तब वो अकॉर्डिंगली सब होएगो। आया ना ख्याल में? ये या तरह से वो क्रिएटिव जो वाको जो पोटेंशियलिटी है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य की, वो इमिनेंट भाई। ख्याल में आया? अब ये सवाल एक आयो कि व्यतिरेक क्यों? अभी हमें एक बात देखो, जब भी कोई चीज अपने में इमिनेंट है तो वाकी वैल्यू कम हो जाए। क्यों वैल्यू कम हो जाए? छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मैं तुमको समझाऊंगा, तुमको ख्याल में आ जाएगा। समझो तुमने नयो मॉडल जो मोबाइल को आयो 26,000 को 28,000 को, तुम्हारे को नहीं है, तुम्हारे मोबाइल में जो फैसिलिटी है वैसे कोई 10 गुनी फैसिलिटी वहाँ में ज़्यादा है, तुमको वाकई क्रेविंग बहुत ज़्यादा होगी। एक वक्त तुमने खरीद लियो फिर तुमको क्रेविंग नहीं रह जाएगी, दूसरे को दिखा के ललचाओगे कि हमारे पास ये मोबाइल है, पर तुमको खुद को क्रेविंग वाकई नहीं रह जाए। क्यों? कि जैसे ही तुमने एक्वायर कियो वाकई क्रेविंग तुम्हारी पूरी भाई। अब तुम्हारी क्रेविंग कायम हो जाएगी, यासू और सुपीरियर मॉडल कौन आ रहे हो वा के बारे में क्रेविंग हो जाएगी। तो जो तुमको जो तुम्हारे पास अवेलेबल है वा के प्रति तुमको उतना कभी भी अट्रैक्शन नहीं हुआ है, जो नॉन अवेलेबल है वा के लिए बड़ा भारी अट्रैक्शन हो जाए। मैं अक्सर एक बात कहूँ कि लोग गिरनार जावें वाकी सीढ़ियाँ गिने कितनी, दिल्ली जावे कुतुब मीनार की सीढ़ी गिने, तुम में से बताओ कि तुम्हारे घर में सीढ़ी कितनी है, गिनी कोई ने? कोई नहीं गिने, घर की सीढ़ी कौन गिने? अपन कोई भी वहाँ गिरनार पे जाएंगे तो कितनी सीढ़ियाँ गिनेंगे, घर की सीढ़ी कोई नहीं गिने, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो जो नॉन अवेलेबल है वाकी क्रेविंग अपने को ज़्यादा है, जो अवेलेबल है इमिनेंट्स के तहत वाकई लिए अपने को। एक बात समझो कि कांदा बटाटा के भाव क्यों सस्ते हैं, हीरा के भाव क्यों महंगे हैं, क्यों महंगे? इजीली अवेलेबल है, जो इजीली अवेलेबल नहीं है वाको इकोनॉमी के हिसाब से सप्लाई कम प्राइस ज्यादा, सप्लाई ज्यादा प्राइस कम, वैल्यू वाकी कम हो जाए। अपन के यूटिलिटी से डिमिनिशिंग वैल्यू हो ऐसा ही नहीं, वैल्यू जो है वो सप्लाई पे भी डिपेंड करती हो ना, कि सप्लाई ओवर है कि स्केयरसिटी है, तो जब स्केयरसिटी है तो वैल्यू बढ़ जाएगी, स्केयरसिटी नहीं है तो वैल्यू घट जाएगी इकोनॉमिक्स के हिसाब से। एग्जैक्टली वही तरह से जो भी कुछ तुम्हारे पास भगवान के इमिनेंट फॉर्म अवेलेबल हैं वाकी वैल्यू अपने को कभी नहीं लगे। लगे? एक बात समझो कि अपने पेरेंट्स अपनी जितनी केयर लें वह केयर की अपने को कभी वैल्यू लगे? वो तो बाप है माँ है, करना ही है काम उनको, और क्या करेंगे, ऐसे लगे। कोई होटल में जावें, होटल में कोई स्टाफ हर वक्त पूछे ये लाऊं वो लाऊं, विमान में जावें एयर होस्टेस पूछे चाय लोगे कॉफ़ी लोगे, अपने को लगे बहुत अच्छा है। क्यों? इजीली अवेलेबल नहीं है, हर वक्त ऐसा ही है। जो चीज़ इजीली इमिनेंटली अवेलेबल है वाकी वैल्यू कम हो जाए। वहाँ पर एक बात ध्यान से समझो या पूरे साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म को समझो कि जो इजीली अवेलेबल है वहाँ पर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ जाए हो, और जो इजीली अवेलेबल नहीं है वहाँ पर अपन डिपेंड नहीं हों कभी भी, बहुत चालाक हैं अपन, वहाँ पर कभी डिपेंड नहीं करें, पर क्रेविंग वाकी ज़्यादा हुए। तो जहाँ पर डिपेंडेंट हों वाकी क्रेविंग नहीं हुए, और जाकी क्रेविंग होवे वहाँ पे अपनी डिपेंडेंसी नहीं होवे।
ठीक है ना बात। अब जो जो कपड़ा जो ड्रेस तुम्हारे आगे हो कबाट में, बाकी तुमको, अब वो ऐश्वर्या राय पहरे शाहरुख पहरे तो वो हो अपने को लगे कहाँ से मिलेगो ये ड्रेस, कैसे मिलेगो, क्यों? क्योंकि वो अपने को अवेलेबल नहीं है, तो तुरंत क्रेविंग स्टार्ट हो जाए। या लिए भगवान ने सृष्टि में खुद को इमेनेंस भी रखे है और व्यतिरेक के तहत ट्रांसेंडेंस के तहत अपने को नॉन अवेलेबल भी रखे है। जब नॉन अवेलेबिलिटी अपने को ख्याल आवे कि भाई वाको एक फॉर्म में वो नॉन अवेलेबल भी है, तब अपने को वहाँ पे डिपेंडेंसी भी आएगी और नॉन अवेलेबिलिटी के कारण आपके ऊपर रिस्पेक्ट भी आएगा। आयो ख्याल में? यदि टोटली 100% अवेलेबल है तो अपने को कभी भी डिपेंडेंस माने डिपेंडेंसी आ जाए पर रिस्पेक्ट नहीं आवे। तो दो फैक्टर की जरूरत है, डिपेंडेंसी की और रिस्पेक्ट की। जब अपन डिपेंड भी हो रहे हैं और रिस्पेक्ट भी लूज नहीं कर रहे हैं, दैट इज इक्वलेंट टू डिवोशन। When you are dependent, but you do not have respect, then you are not devoted to it. If you have respect, but you are not dependent, तो अभी devotion नहीं है। Devotion का मतलब क्या? बात ध्यान समझो कि अपन dependent भी हैं वहाँ पे और respect भी है। तो जब respect भी है और dependent भी है, तो वो immediately devotion में culminate हो जाए। ये अपनी human psychology है। तो वो जो रिस्पेक्ट वो कहाँ से आवेगा वहाँ में? वहाँ का जो ट्रांसेंडेंटल कैरेक्टर है, जो इमिनेंट कैरेक्टर है, वहाँ में रिस्पेक्ट नहीं आएगा। जैसे देखो अपन सारे इंडिया पे डिपेंडेंट हैं, पर रिस्पेक्ट अपने को इंडिया के बजाय अमेरिका का ज़्यादा हुए, और जो अमेरिका चले जाएं उनको इंडिया को रिस्पेक्ट हो जाए। अपन अपन क्या है, देखो ध्यान से देखो, ऑक्सीजन लें, अपनी सारी बॉडी को छोटे में छोटो हिस्सा भी डिप्राइव इट विथ ऑक्सीजन, वो इनएक्टिव हो जाएगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा। हर जगह ऑक्सीजन को सप्लाई मैक्सिमम चाहिए बॉडी में, डिपेंडेंट अपन ऑक्सीजन पे है ना। छोड़ें क्या अपन? कार्बन, वहाँ पे अपन डिपेंडेंट नहीं है। या के लिए कई लोग यूँ समझें कि कार्बन जो है वो बेकार है, अपन छोड़ रहे हैं, पर ध्यान से समझो कि वो कार्बन लेवे कौन है? प्लांट। वो प्लांट क्या छोड़े? ऑक्सीजन। वो ट्रांसेंडेंटल है, वो अपने बाहर है, वो ट्रांसेंडेंटल है करके वहाँ पे अपने को रिस्पेक्ट आवे। सेव मुंबई, ग्रीन मुंबई, क्लीन मुंबई, ये सब क्या है? अनक्लीन मुंबई क्यों भाई? डिपेंडेंसी के कारण। ग्रीन मुंबई क्यों नहीं, कैसे हो सकेगी? व्हेन वी हैव अ रिस्पेक्ट फॉर ट्रीज एंड प्लांट्स, देन इट विल बी अ ग्रीन मुंबई। व्हाई मुंबई इज नॉट क्लीन? चलते फिरते थूक रहे हैं, सब कचरा छमा फेंक रहे हैं, तो क्लीन मुंबई अपन रखे नहीं, क्योंकि वी आर डिपेंडेंट ऑन मुंबई। ऐसे तो हर वक्त जब रिस्पेक्ट और डिपेंडेंसी को कोऑर्डिनेशन होवे, तब वामे सु डिवोशन डेवलप होवे करके वो जो सदाचार है, वामे सु ईशानु कथा जो है, जाकू अपन भक्ति कह रहे हैं, वो डिपेंडेंस कम रिस्पेक्ट की बात है, रिस्पेक्ट कम डिपेंडेंस की बात है करके वो भक्ति वामे सु डेवलप हो रही है। भक्ति डेवलप हो रही है तब फिर तुम भगवान के प्रति निरुद्ध हो सकोगे, सिंसियर हो सकोगे। जब तुमको ये सेंस डेवलप होएगा कि हम वहाँ पे डिपेंडेंट भी हैं और मियरली डिपेंडेंस इज नॉट सफिशियंट, वी मस्ट कीप रिस्पेक्ट ऑल्सो। आयो ना? आजकल नहीं है, पुराने गुजराती के पाठमाला में एक बहुत अच्छा पाठ आता तो वहाँ में ऐसे पाठ आता तो शायद चौथी पांचवी में गुजराती के होते वो पाठ, आजकल वो पाठ नहीं है, कि एक बच्चा जो बिजनेस फैमिली को बच्चा है, वाकू बिजनेस के गुर हासिल हो गए, तो माँ ने वाकू
कुछ काम करने के लिए भेजो, दूध ले आइयो, तो आने बिल बनायो, दूध लेवे जाने को इतना रुपया, फिर कुछ काम के लिए भेजो वाकई इतने रुपया, वाकई इतने रुपया, और माँ के चुपचाप बिल पकड़ा दियो। माँ ने देखो कि भाई बिजनेस बाहर करना तो अच्छी बात है, पर घर में भी ये बेटा बिजनेस कर रहे हो, तो माँ ने भी एक पाछो बिल बनायो, और वह बिल में लिखी कि तू को दूध पिवायो वाकई कोई रुपया नहीं, तेरे को नवायो वाकई कोई रुपया नहीं, तेरी छीछी और सुसु धोई वाकई कोई रुपया नहीं, तो को खवायो वाकई कोई रुपया नहीं, तब वाकु रिस्पेक्ट पैदा भयो। ऐसी एक स्टोरी आती थी। तो डिपेंडेंसी में आदमी क्या हुए, रिस्पेक्ट खो दे है, हर वक्त ये बात है। और जब ऐसो डिपेंडें जब वाको व्यतिरेक अपने को मिले ना, अन्वय के बजाय जब व्यतिरेक को ख्याल आवे ना, तब अपने को फिर रिस्पेक्ट पैदा हुआ कि भाई या मैं सिर्फ अन्वय से नहीं सोचना चाहिए, व्यतिरेक को भी कोई वाको एक कैरेक्टर है, वो जब अपन खोजे ना। ये लिए बहुत अच्छो एक शेर है, तुम चाहो तो लिख लो सब लोग, कि वतन की कशिश, वतन की कशिश और वतन की मोहब्बत, वतन की कशिश और वतन की मोहब्बत, जरा कोई देखे वतन से निकल के। जब तक अपन अपने देश में रह रहे हैं ना, तब तक वह देश की कीमत अपने को समझ नहीं आवे, वह देश को अपन चाह कितना रहे हैं, वहाँ पे अपन डिपेंड कितने हैं, वो भी अपने को समझ नहीं आवे। तो वतन की जो कशिश है और वतन के लिए जो अपने दिल में रही भई मोहब्बत है, वो जब तक वतन में रहें तब तक नहीं ख्याल में आया, जब वतन से बाहर जावे ना तब जाके ख्याल में आया, जब व्यतिरेक हो तब। इमिनेंस में वो प्रकट ही नहीं हुए। और भगवान ने क्योंकि क्रिएशन कियो है वाके लिए सिर्फ इमिनेंस नहीं प्रकट कियो, वाके ट्रांसेंडेंस भी अपनो प्रकट कियो, अन्वय प्रकट कियो तो व्यतिरेक भी प्रकट कियो, जासु तुमको दोनों को भाव बराबर समले, वाकु महाप्रभु जी ने अपने यहाँ या टर्मिनोलॉजी में समझायो कि महात्म्य ज्ञान, तो व्यतिरेक सु भगवान को महात्म्य को ज्ञान होवे, और सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह माने वासु टोटल अटैचमेंट, वाको नाम भक्ति। व्हेन वी बिकम अवेयर ऑफ हिज ग्रेटनेस वाको नाम महात्म्य ज्ञान, और व्हेन वी आर टोटली अटैच टू हिम दैट इज डिवोशन। तो भक्ति की परिभाषा में ही दो एलिमेंट आए हैं, महात्म्य ज्ञान और सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह। महात्म्य ज्ञान जो है वो व्यतिरेक सु है, और सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह जो है वो अन्वय सु है, जब तुमको डिपेंडेंसी को ज्ञान हुए कि वी आर टोटली डिपेंडेंट, तो तुमको स्नेह होएगो। पर वो स्नेह में पाछी एक ये पॉसिबिलिटी है ही कि तुम वाके प्रति रिस्पेक्ट खो सको, तो वा खो सको हो, वाकु बैलेंस कैसे कियो है खुद के व्यतिरेक फॉर्म सु, तो महात्म्य ज्ञान और सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह सु वाकु बैलेंस करके आखो भक्ति को, जो ईशानु कथा में जो भक्ति बताई गई है वो या लिए बताई गई कि तुमको अन्वय व्यतिरेक दोनों को ख्याल आवे, कि तुम्हारे पास अवेलेबल है एज वेल एज नॉन अवेलेबल है। वो जो देखो मैंने जो ब्रह्मा जी की चार श्लोक बताए थे, वह चार श्लोक में यही लिए मैंने बतायो कि हर एक के भीतर वो है और हर एक के बाहर भी है। वो बाहर है वो क्या है, व्यतिरेक है, भीतर है वो क्या है, इमानेंस है। आयो ना ख्याल में, भीतर है वाके कारण डिपेंडेंसी आ रही है, बाहर है वाके कारण रिस्पेक्ट आ रहे है। सो डिपेंडेंसी कम रिस्पेक्ट अथवा रिस्पेक्ट कम डिपेंडेंसी इज इक्वलेंट टू डिवोशन। तुम एक मैथमेटिकल इक्वेशन याद तरह से लिख सको, रिस्पेक्ट कम डिपेंडेंस, रिस्पेक्ट प्लस डिपेंडेंस इज इक्वलेंट टू डिवोशन। आयो ख्याल में, तुमको रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, तुम्हारी डिपेंडेंसी भी होनी चाहिए। तुम्हारे को डिपेंडेंसी वो अन्वय से प्रोवाइड करे है, तुम्हारी डिपेंडेंसी को वो अन्वय से सपोर्ट करे है, और तुम्हारे रिस्पेक्ट को वो व्यतिरेक से गवर्न करे है। जब ये दोनों फैक्टर तुम्हारे पास आ गए तो तुम वाकई प्रति डिवोटेड हो सको हो। जब डिवोटेड हो गए तब पाछे दो पॉसिबिलिटी है, सिंसियरली डिवोटेड हो कि काम चलाओ डिवोटेड हो। जैसे अपन डॉक्टर से सिंसियरली डिवोटेड नहीं हुए हो,
माने रोग ठीक होने के बाद डॉक्टर यदि पूछे अपने को के केम छो, सब कुछ चक्कर हो के लफड़ा क्या है अब क्यों पूछ रहे, अब तो ठीक हो गए। तो जब ठीक नहीं हुए तभी तक डॉक्टर अच्छे लगे, ठीक होने के बाद डॉक्टर केम छो पूछे ना तो भी अपने को गड़बड़ लगे, कुछ लफड़ा है। तो वो क्या है कि वो अपने डॉक्टर के साथ जो अपना इन्वॉल्वमेंट है वो कैसा इन्वॉल्वमेंट है, डिवोशनल है। बीमार पड़े तब, बीमारी ठीक होते ही, या लिए गुजराती में एक बड़ा अच्छी कहावत होती कि गरज सरयू अने वैद बैरी, गरज सरयू अने वैद बैरी। वाके बाद फिर वैद अपने को दोस्त नहीं लगे, दुश्मन लगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। डिवोशन है तो वो कुछ सिंसियर होना चाहिए, और वो सिंसियर डिवोशन को भगवान कहाँ से लावे हैं, वो खुद तुम्हारे बीच में आवे है, तुम्हारा मेकअप धारण करे है, और तुम्हारे साथ सिंसियरली इन्वॉल्व हुए है। सिंसियरली इन्वॉल्व हुए कितने लेवल तक, कि तुमको डर लगे तो वाकू डर लगे, तुमको जो है वो माने खुश हो तो वो खुश हो, तुम जो है वो नाराज हो तो वो नाराज हो, या तरह से तुम्हारे हर जो सेंटिमेंट है वहाँ में वो इन्वॉल्वमेंट खुद को दिखावे। जब वाको या तरीके को टोटल इन्वॉल्वमेंट तुम्हारे साथ दिखावे, वाको कुछ भी लेना देना नहीं है तुम्हारे से, फिर भी तुम्हारे से टोटल इन्वॉल्वमेंट दिखावे, तो वो तुमको बतावे कि सो तुमको भी टोटली इन्वॉल्वमेंट मेरे में या तरीके से होना चाहिए, वाको नाम निरोध है। और वो निरोध होए तो अपन मुक्त हो सकें, वो निरोध नहीं होए तो अपन मुक्त नहीं हो सकें। बस ये आँखों जो है ये दस विधि लीला को आँखों स्ट्रक्चर है, वो कल भी मैंने तुमको समझाया पर आज तुमको टेक्निकली समझायो। पर यहाँ में समझने की बात ऐसी है कि जो सदाचार है, सदाचार सु एक मूमेंट है ऐसी, जैसे ये ब्रह्म सु जो क्रिएशन को आयो तो क्रिएशन है, फिर ऑर्गेनाइजेशन है, फिर प्लेसमेंट है, फिर पोषण है, मेंटेनेंस है, और वाके बाद ऊति है, वर्क कल्चर है। ये डाउनवर्ड ट्रेंड है, आपको क्रिएशन सु तुम्हारे में इमिनेंट होने को डाउनवर्ड ट्रेंड है, और या के बाद फिर मनवंतर जो आ रहे हो है वो कैसो है, अपवर्ड ट्रेंड है टुवर्ड्स द ट्रांसेंडेंटल कैरेक्टर ऑफ गॉड। ये जो है वो टुवर्ड्स द इमिनेंट कैरेक्टर ऑफ गॉड है, ख्याल में आयो ना। ये सारो जो है क्रिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, प्लेसमेंट और मेंटेनेंस और वर्क कल्चर, वो मेंटेनेंस माने इमिनेंट कैरेक्टर ऑफ गॉड को रिस्पॉन्स है, रेसिप्रोकेट करना है। और यहाँ से फिर अपन वाको जो ट्रांसेंडेंटल कैरेक्टर है सदाचार, सदाचार क्या मतलब क्या, कि तुम्हारी वर्क कल्चर में भी तुमको ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि कैसी वर्क कल्चर वाक्य प्रति वापर दी, कैसी वर्क कल्चर वाक्य प्रति वापरो तो तुम्हारे को वाको ट्रांसेंडेंटल कैरेक्टर ख्याल आवे, और कैसी नहीं वापरो तो तुमको वाको ट्रांसेंडेंटल कैरेक्टर ख्याल नहीं आवे। मैं देखो मेरे बचपन की एक बात बताऊं, बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग, कई वक्त मैं यहाँ बता भी चुके हूँ। हमारे दादा के वक्त हमारे घर में बहुत कबाटे रखे भए थे, तो हम सब कज़िन को एक दिन खुराफात सूझी, दादा तो चले गए, फिर हम लोग बड़े हुए कभी कबाट कोई खोले नहीं है, है क्या यहाँ में, सब तरह की चाबी घुसा घुसू के अंत में एक दिन एक कबाट खोलियो, कबाट खोलियो ना, देखो इंटरेस्टिंग बात है समझने की, खोलियो तो वहाँ में अत्तर दानी खाली निकली, अत्तर रखने की परफ्यूम की बॉटल्स, एम्प्टी बॉटल्स और एक वाको बॉक्स। अब हम लोगों ने इतनी मेहनत करी सब कजिन ने मिलके, तो हमको बोलो कि ये तो ये दादा की रखी हुई एम्प्टी बॉटल हैं, हमको पता तो चली नहीं, हम समझे कि अत्तर सूख गए होएगो पड़े पड़े। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो एक एक बॉटल सब अपन बांट लें, हमने सबन ने एक एक बॉटल बांट ली। वह बॉटल में एक वो कांच की ऐसी सली होती,
नेचुरली ऐसे फील भी होगा, अत्तर लगाने की सली होगी ऐसे लगाने के लिए। तो वो मैंने निकाल के देखी, कुछ कचरा से लगे, तो मैंने धो पाँच के साफ कर दिया। हमारे दादा की अत्तर की बोतल की सली साफ रखनी चाहिए। हम में से